सो ही गाइस आई एम बैक विद अ न्यू 100 आवर वीडियो एंड या आज के इस वीडियो के अंदर हम प्ले करने वाले पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू को फॉर 100 आवर्स एंड जिसके बीच हमें कुछ टास्क को कंप्लीट करने पड़ेंगे, जैसे कि नंबर 1 बीट ऑल कांटो जिम, नंबर 2 कैच ए स्पेडलेंड्री पोकेमॉन, मतलब हमें ड्रैगन एग को कैच करना पड़ेगा वो भी वाइल्ड से, तो भाई काफी ज्यादा हार्ड है। नंबर 3 पे है ऑल कांटो स्टार्टर्स मैक्स इवॉल्व एंड नंबर 4 पे है बीइंग चैंपियन, हमें चैंपियन बनना पड़ेगा। एंड नंबर 5 पे है कैच ऑल लेजेंडरी पोकेमॉन एंड नंबर 6 पे है कंप्लीट पोकेडेक्स, तो हमें इन सबको कंप्लीट करना पड़ेगा इस वीडियो के अंदर, वरना भाई वीडियो में कोई मजा ही नहीं है। तो चलो गाइस आपका टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत में प्रोफेसर ओक हमें पोकेमॉन वर्ल्ड के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम लोग अपना कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं एंड अपना नेम भी रखते हैं एंड आफ्टर डैट मैं पिकाचू के साथ अपने वर्ल्ड में एंट्री कर जाता हूं। तो यहां पर मैं अपना स्टार्टर लेने आता हूं सबसे पहले प्रोफेसर ओक से एंड यहां पर जब मैं पोकेबॉल को टच करता हूं तभी पोकेबॉल ग्लो करते हैं, उसके अंदर से निकलता है क्यूट सा पिकाचू एंड ये मोमेंट एपिक मोमेंट में से एक है वीडियो का, तो भाई काफ़ी मज़ा आता है एंड पिकाचू हम अपने नाम यहाँ पर कर लेते हैं। तो भाई सब पिकाचू कितना क्यूट दिख रहा है एंड उसके बाद प्रोफेसर हमें अपना पोकेडेक्स देते हैं एंड आफ्टर ऑल हम बाहर जब आते हैं हमारी मॉम हमें टाउन में देती है एंड उसके बाद अपन निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पर। तो यहाँ पर काफ़ी देर तक मैं घूमता हूँ, अचानक एक ऑडिट काउंटर होता है एंड आफ्टर दैट दिस इज माई फर्स्ट पोकेमॉन जिससे मेरा काउंटर हुआ था पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू के अंदर एंड फिर मैं इसे कैच करता हूँ एंड उसके बाद शहर के लिए जब भी निकलता हूँ तभी मेरे को एक अंकल मिलते हैं जो कि प्रोफेसर ओक के लिए एक पार्सल दे रहे होते हैं एंड मैं उस पार्सल को लेकर प्रोफेसर ओक के लिए निकल जाता हूँ एंड यहाँ पर प्रोफेसर ओक मेरे पिकाचू के दोस्त के ऊपर एक अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं जिसके खातिर पिकाचू मेरे कंधे पर आ जाता है क्यूट सा पिकाचू एंड फिर हम प्रोफेसर ओक को पार्सल दे देते हैं एंड उसी बीच पता नहीं ये लौंडा कहाँ से आता है एंड उसके बाद जाने के टाइम इसे बैटल भी कर लेता है। तब क्या ही करते भाई, अपना ही बंदा है अपना ही बेटा है, चल मारते इसे। वैसे इसका नाम मैंने गैरी रखा है, ठीक है भूल जाते प्रोफेसर इसका नाम, तो मैंने गैरी रख दिया। उसके बाद इसकी बहन से मतलब बड़ी बहन से हमको पिकाचू का ड्रेस मिलता है एंड आफ्टर डेट हम कुछ ट्रेनर्स खड़ाते हैं एंड मैं पिकाचू का ड्रेस पिकाचू को देता नहीं हूँ एंड फिर एक पीजी कैच करते हैं अपन, एक स्पैरो कैच करते हैं एंड फिर हम लोग एक नीडोरैन को कैच करते हैं एंड आफ्टर ऑल बैक ये बंदा मेरे को मिलता है जिसके बाद फिर से मैं इसके पोकेमॉन को पीटता हूँ, फिर एक नीडोरैन और एक कैच करता हूँ एंड फिर नर्स जॉय के पास जाकर अपने पोकेमॉन को हील करा लेता हूँ एंड आफ्टर ऑल अभी टाइम था जाने का विरेडन फॉरेस्ट के लिए, जहाँ पर मैं एक कैटरपी एक वीडेल को कैच करता हूँ एंड उसके बाद हम विरेडन फॉरेस्ट में घूमते हैं एंड घूमते घूमते विरेडन फॉरेस्ट में हम एक ककूना एंड एक मैटापॉड को कैच करते हैं एंड आफ्टर ऑल भाई साहब काफ़ी सारे पोकेमॉन हो चुके थे, फिर यहाँ के सारे ट्रेनर्स को बीट करने के बाद हर किसी को बीट करता हूँ एंड फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ एंड में, ठीक है। एंड एंड में जाने के बाद नेक्स्ट सिटी यहाँ पर सामने ही था जो कि प्यूटो सिटी है, जहाँ पर ये लौंडा मेरे को मिलता है एंड ये मेरे को 5 पोजीशन देता है एंड निकल लेता हम जिम की ओर, जहाँ पर भाई जिम के अंदर तो यार अलग ही सीन बैठा हुआ था, हर कोई हमको ही देख रहा है, मतलब हमारा बैटल देखने के लिए बैठा है। तो पहले हम ब्रॉक के जो फर्स्ट जो चमची है उसकी तरफ निकलते हैं, उसका जियो डॉट को हरा देते हैं एंड सेकंड बंदे को तो भाई वन शॉट ही नॉकआउट करते हैं एंड आफ्टर ऑल दिस इज टाइम फॉर ब्रॉक, ये ब्लॉक के लिए टाइम था अपना। तो भाई ब्लॉक भाई काफ़ी एटीट्यूड में रहता है एंड हमें उसको भी हराना है, तो उसके लिए भाई मेरे पास एक खतरनाक स्ट्रैटेजी ऑलरेडी रेडी थी, तो भाई अब देखना कैसी वर्क करती है मेरी स्ट्रैटेजी। तो हमने ऑडिश को भेजा एंड ऑडिश को भेज के हमने यहाँ पर किया एब्जॉर्ब, उसके बाद वन शॉट उसका बुक नॉक हो गया। तो उसके बाद मैं सोचने लगा कि ये क्या ऑनिश के ऊपर ट्राई होगा, तो हमने फिर से क्या किया एब्जॉर्ब किया एंड सेम रिजल्ट वन शॉट ली खत्म। तो फाइनली मैं ब्लॉक कर आ चुका था विथ वन शॉट भाई साहब एंड उसके बाद ब्लॉक से हमें मिल जाता है अपना रॉक बैच जो कि होता है एंड हमें उस पिकाचू मस्ती भी करते हैं एंड उसके बाद हैड बैट भी हमें मिल जाता है एंड आफ्टर ऑल हम लोग जिम से यहाँ से निकल जाते हैं एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पर मिलता है अपना ब्लू जो कि भाई हमें 5 ग्रेड बोल देता है एंड फिर अपना स्टाइलिश अंदाज में निकलता है एंड उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ के म्यूजियम के अंदर जहाँ पर 50 रुपये से मुझे अंदर घुसने का मौका दिया जाता है, बट अंदर आने के बाद पता चलता है कि 50 रुपये तो मेरे गए भाई, किसी काम का नहीं था ये म्यूजियम। तो उसके बाद मैं शॉप में आता हूँ जहाँ पर आने के बाद मैं काफ़ी सारी खरीदारी करता हूँ एंड यहाँ से मैं हो जाता हूँ कंगाल। तो आफ्टर डैट क्या था, अपन निकलते अपने जर्नी पे आगे जहाँ पर हमें प्यारा सा एक ट्रेनर मिलता है जिसके को हम हराते हैं एंड सारे ट्रेनर को हराते हैं, उसी बीच हमें मंकी मिलता है कैच करते हैं अपन एंड या उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे निकल जाते हैं जहाँ पर एक लौंडा आई डोंट नो बैठे बैठे क्या करे करना है, कुछ काम कर रहा था। तो एंड उसके बाद और एक लौंडा यहाँ पर मिलता है जिसके से बोलते हैं कि यार बैटल कर ले मेरे से, तो मैं सोचता हूँ बैटल कर लेते हैं, इसके पास एक मैमूथ था जो कि पावरफुल था एंड इसको मैं हरा देता हूँ फाइनली एंड उसके बाद मेरे को यहाँ से पेड़ मिलता है, आई डोंट नो इस अटैक का ज़्यादा यूज़ नहीं होता एंड उसके बाद मेरे को एक प्यारा सा नर्स जॉय का सेंटर मतलब पोकेमॉन सेंटर मिलता है जहाँ पर मैं पोकेमॉन की इलाज कराता हूँ, निकल जाता हूँ उस टनल के लिए। बट रॉक मतलब एम्प्टी मून के सामने ही मैउथ थोड़ा था, आई डोंट नो ये किसका मैउथ है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हम अंदर जाते हैं। फिर यहाँ पर एक जूबैट मिलता है, उसको काउंटर करने के बाद इजीली हम कैच कर लेते हैं एंड प्यारा सा जूबैट आ जा भाई
ओके फाइनली उसके बाद मेरे को टीम रॉकेट मिलते हैं, प्यारी सी टीम नहीं खतरनाक टीम रॉकेट, एंड उसका मेरे को बाहर से आता है इनके पास एंड निकल जाते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत एम्प्टी मून की केव में घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बंदा मेरे को टोक रहा था तो उसको बैटरफ्ली को ख़त्म किया हमने एंड फिर यहाँ से अपने रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर लिया। एंड आफ्टर ऑल हमने जियोडूट को कैच किया, क्लफेरी को कैच किया, एक पैरस को कैच किया एंड हो जा भाई ओके। एंड आफ्टर डैट हम लोग पूरा यहाँ पर एम्प्टी मून घूमे, हर किसी ट्रेनर को हराया एंड भाई साहब काफ़ी लफड़ा करने के बाद हमें एक ऑनिक्स मिला एंड भाई साहब कितना ऑसम दिख रहा था। एंड फाइनली मेरे पास भी अपना एक ऑनिक्स होने वाला था तो हमने इसको डायरेक्टली कैच किया एंड उसके बाद उसके ऊपर राइड शुरू कर दिया जहाँ पर मुझे मेउ दिखा एंड फिर भाई हम ऑनिक्स से वो लेजेंडरी राइड करते करते हम निकल गए यहाँ से केव के बाहर जहाँ पर मेरे को एक टीम रॉकेट के मेंबर दिखा जिसको हमने ख़त्म किया एंड फिर भाई एक फॉसल का रखवाला था, पता नहीं इसने फॉसल ढूंढना था तो बोला कि हम लोग बैटल कर लेते थे, तो मैंने सोचा आजा भाई आजा तुझसे तुझे हराने में क्या जाता है। तो मैंने पिकाचू ने लात मार मार के इसके वोल्टम को ख़त्म किया। उसका सेकंड पोकेमोन जो था भाई साहब वो था एक मैग्नेमाइट जिसको भी हमने हरा दिया। फिर हमने एक डैमो फोसल ले लिया एंड फिर हमें बाहर टीम रॉकेट मिल गए जिसके साथ भी हमारा बैटल शुरू हो गया, लफड़ा हो गया भाई बहुत ज़्यादा। तो भाई हमने टीम रॉकेट से फाइट ले ली यहाँ पर एंड उनके कॉफिंग एंड वीजिंग को भाई एकेंस एंड वीजिंग को हमने बीट कर दिया यहाँ से। एंड आफ्टर ऑल यहाँ से मेरा ककुना होने वाला था इवॉल्व एंड फाइनली बस मिल चुका था एक वीड्रिल एंड लिटरली वीड्रिल मिलने के बाद मैं बाहर चला गया एंड वीड्रिल का जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त है। देखो तुम आसपास बहुत मस्त घूमता है तो मैं तो वीड्रिल सबसे अच्छा लगा अगर तुम अपने साथ रखना चाहते हो। तो उसके बाद मैं नीचे आ गया एंड यहाँ पर आने के बाद मेरे को थोड़ा बहुत घूमा एंड मेरे को एक स्टैचू दिखा तो हम इसको कैच करने निकल पड़े। स्टैचू को हमने कैच किया, फिर हमने साइडर को कैच किया एंड जब उसके बाद हम बाहर निकले तो आई डोंट नो ये साइड यहाँ पर क्या कर रहा था, मतलब साइड एक इतना साइको होता है भाई। एंड उसके बाद क्या ही करना था, हम थोड़ी देर रुके एंड फिर हम निकल लिए अपने जर्नी के और जहाँ पर हमें सिरेलन सिटी मिल चुका था जो कि मिस्टिक अजीम वाला सिटी होता है जहाँ पर एक पता नहीं क्या झरना जैसा था। तो हमने यहाँ पर 50 रुपये डाले एंड उसके बाद पिकाचू नाचना शुरू हो गया मेरा पैसा बर्बाद करके। एंड फिर इस घर के अंदर आए जहाँ पर मेरे को पता चला कि अगर मैंने 30 पोकेमॉन को कैच कर लिया तो ये लॉन्डिया मेरे को दे देगी बल्बसॉर, पर हमारी औकात में नहीं था, बस हमारे पास 18 पोकेमॉन थे। तो उसके बाद हम निकल लिए दूसरे जगह जहाँ पर मेरा दोस्त मिल गया मेरे को गैरी एंड ये बंदा मेरे से फिर से बैटल शुरू कर दिया, मतलब इसको मेरे से बैटल बनना है, खुद का बैटल नहीं करना मेरे से बैटल बनना है। तो हमने इसको भी इस बार बहुत ही गंदी तरीके से खड़ा दिया था एंड इसका लास्ट यूकन ईवी था जिसको भी हमने ख़त्म कर दिया। एंड आफ्टर ऑल ये बंदा अपना दुखी सूरत लेके मतलब क्या ही बोला यार, कभी हथ रहा है कभी रो रहा है, निकल गया। एंड फिर हम लोग यहाँ के सारे ट्रेनर को लाते हैं एंड ये लास्ट वाला ट्रेनर काफ़ी अच्छा दिखता है, ये मेरे को नगद देता है। एंड आफ्टर डैट ये टीम रॉकेट के मेंबर होता है जो मेरे को बोलता है टीम रॉकेट में ज्वाइन कर ले, मैं मना करता हूँ तो बैटल शुरू हो जाती है। भाई साहब बंदे के पास थे 2 पोकेमॉन एंड एक तो जूबैट प्यारा सा जिसको भाई देखते ही हमने यहाँ से कार्ड डाला एंड उसके बाद उसका पोकेमॉन जो सेकेंड था वो था यहाँ पर उसका कॉफिंग जिसको देखने के बाद ही हमने ख़त्म कर डाला। एंड आफ्टर ऑल उसके बाद हम आगे आए तो हमें पता था हमें 50 पोकेमॉन चाहिए चार्मेंडो को लेने के लिए, तो हमने बहुत पोकेमॉन कलेक्ट करना शुरू कर दिया जहाँ पर काफ़ी आधे से एक घंटा तक पोकेमॉन कलेक्ट किया एंड यहाँ पर मुझे मिल गया अपना दूसरा पोकेमॉन इवॉल्व। एंड उसके बाद भाई साहब मेरा पीछे भी फॉल हो रहा था पीछे ऑटो के अंदर, भाई मजे ही मजे थे पोकेमॉन कैच करते करते। एंड उसके बाद मैं अपने बल्बसॉर को लेने आ जाता हूँ इस लॉन्डिया से जिसको मैं अपने टीम में ऐड कर लेता हूँ। एंड उसके बाद हम लोग लेने चलते हैं चार्मेंडर को एंड इसको मैं अपने टीम में ऐड कर लेंगे, डोंट वरी दोनों पोकेमॉन अपने टीम में होने चाहिए। उसके बाद मैं चलाता हूँ यहाँ पर बिल को ढूंढने जो कि मेरे दोस्त ने बताया था कि यहाँ पर एक लॉन्डा है जो कि पोकेमॉन बन चुका है, हम उसको ढूंढने निकल चलते हैं। एंड यहाँ पर हमें मिलता है बिल जो कि पता नहीं क्या हो चुका था इसके साथ, ये पोकेमॉन में तब्दील हो चुका था ये देखो। एंड फिर मेरे को बोलता है कि भाई मेरे को ठीक कर दे मैं मशीन के अंदर घुसूंगा, तो हमने बटन दबाया एंड उसके बाद ये राइहॉर्न निकला, मतलब राइहॉर्न ने इसका नाम जो भी होता है निरोहन निकला एंड उसके बाद बिल आया एंड मुझे एसएस टिकट दे दिया। एंड फिर हम निकल लिए मिस्टिक हराने, ठीक है बस हमका अपना काम ख़त्म तो अपन मिस्टिक हराएंगे। तो अभी मिस्टिक का जो जिम था भाई लिटरली काफ़ी ओपी लुकिंग था, आइस टाइप ऐसा कुछ था दिखा रहा था, बट वाटर टाइप जिम आई नो। एंड यहाँ पर ये लड़की लेजेंडरी एंट्री मारती है भाई, काफ़ी मस्त एंट्री था इसका घूम घूम के। तो उसके बाद इसका पोकेमॉन होने वाला था एक प्यारा सा गोल्डन जिसको हमने एक ही शॉट में निपटा डाला। एंड फिर भाई इसके सेकंड चमची जो थी इसको भी हमने बैटल के लिए बुलाया एंड इसको भी ख़त्म कर दिया। एंड फिर हम पहुंच गए मिस्टी के पास जो कि भाई काफ़ी अच्छी लुकिंग थी इस गेम के अंदर मिस्टी की। एंड इसका जो पीछे का जो बैकग्राउंड है भाई क्या ऑसम दिख रहा है, शेल के अंदर बैठी है पड़ी मिस्टी। तो अभी उसका पहला पोकेमॉन था साइडक साइकोडक जिसको भाई हमने यहाँ से एक ही थंडर बोल्ट में ख़त्म कर डाला। एंड उसके बाद उसका सेकंड पोकेमॉन आई थिंक स्टार मी होने वाला है एंड यही पोकेमॉन था जिसको हमने फिर से वन शॉट निपटा डाला। देखो फर्स्ट एंड सेकंड जिम काफ़ी इजी था, इसका मतलब ये नहीं कि इन फ्यूचर भी सारे जिम इजी होने वाले हैं। एंड उसके बाद मिस्ट्री भाई हार जाती है एंड मेरे पिकाचू अपना जीत का जश्न मनाते हैं। एंड आफ्टर डेट हमें बैज मिलता है एंड हमें मिलता है एक स्केल जो कि मैं अपने उसको सिखाने वाला हूँ स्क्वाटल को, जो कि इन फ्यूचर मेरे को मिल सकता है इस गेम के अंदर, तुम्हें पता है मिल जाता है तो हम उसको कैच करेंगे। एंड आफ्टर डेट यहाँ पर एक स्क्वाटल दिखता है जो कि भाई
अपने ऑफिसर चेरी की बात ना सुन के भाग जाता है दूर, उनसे दूर। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, प्रोफेसर मतलब इंस्पेक्टर जेरी ने कहा था। तो हम इस घर में घुसते हैं एंड हमें यहाँ से पता चलता है कि कुछ तो तोड़फोड़ बना रखा है इस घर के अंदर, कुछ तो गड़बड़ है। पिकाचू तो सोच रहा होता है कि भाई हो क्या गया यहाँ पर, किसी ने इतनी तबाही मचाई, किसी ने इतना कांड किया यहाँ पर। एंड उसके बाद पिकाचू मेरे को बोलता है एंड मेरे कंधे पर आ जाता है। उसके बाद हम निकलते हैं इस घर से बाहर, जहाँ पर पता चल जाता है कि इन सब के पीछे टीम रॉकेट का हाथ है। फिर बंदे को हम पकड़ते हैं, भाई तूने क्यों किया, एंड फिर बंदा में से बैटल शुरू कर देता है। जिसके पास एक रेड कैट होता है उसको हम बीट कर देते हैं। एंड आफ्टर ऑल ये बंदा डर जाता है एंड सड़क लेता है, डिग देता है। भाई डिग बहुत काम का मूव होता है। एंड फिर हम लोग नीचे की साइड आ जाते हैं जहाँ पर भाई साहब काफ़ी अच्छी अच्छी पोकेमॉन हमें मिलने वाले थे। तो रोड 5 के अंदर हमें एक विग्लेटॉफ मिला जिसको हमने कैचअप कर लिया। हो जा भाई, कितना टाइम लगाएगा। एंड फिर हम लोग आ गए यहाँ पर जहाँ पर मेरा दोस्त आसपास देख रहा था। एंड उसके बाद मेरे को देख लिया इसने, देखो यहाँ पर आसपास देख रहा है। एंड फिर उसके बाद इसने देखा मे को, जिसके बाद ये मेरे से गले लग गया। एंड इस बार आई डोंट नो, काफ़ी प्यार आ रहा था इसको, दो रिवाइव दिया इसने मेरे को। एंड उसके बाद मैंने इसको SS टिकट दे दिया, पता नहीं इस बार बैटल नहीं किया, बहुत प्यार आ गया था इसको मेरे ऊपर। एंड फिर हम लोग निकल लिए नीचे की साइड टनल की ओर। एंड जहाँ पर भाई साहब हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब OP आइटम्स मिल रहे थे, मतलब तीन पोकेबॉल इस टनल के अंदर मेरे को मिले। एंड फिर मैं बाहर आ गया। एंड आफ्टर ऑल उसके बाद हम लोग आ गए थे नेक्स्ट सिटी के साइड में, जो कि तुम्हें पता है। एंड उसके बाद हमने एक ग्राउलेट को कैच किया यहाँ से। एंड फिर हम लोग निकल ही रहे थे कि और एक लॉन्डिया ने पकड़ लिया, तो अपन को तो इसको हराना ही था भीरू, तो हमने इसको हराया। इसके बाद चार्मेंडर था एंड फिर हमारा चार्मेंडर इवॉल्व हो गया, या चार्मेलियन बन चुका था मेरा चार्मेंडर। एंड उसके बाद हम लोग इस सिटी में आए जहाँ पर मेरे को पता चला कि मुझे 60 पोकेमॉन चाहिए था स्क्वाटल को लेने के लिए। एंड फिर हमारा 60 पोकेमॉन हो चुके थे तो हमने स्क्वाटल को ले लिया। एंड आफ्टर ऑल यहाँ से मेरे को पिकाचू एक सेट भी मिला। फिर से मैंने पिकाचू को नंगा पंगा रखा है, सेट नहीं पहना है इस बार भी, दो सेट मिल चुके मुझे पिकाचू के। फिर मेरे को यहाँ से एक और एक सेट मिला अपना। एंड उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर शिप के अंदर, जो कि SS NA का शिप होता है। एंड इसका लुकिंग बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा था। एंड यहाँ पर मेरा दोस्त मिलता है मेरे को गैरी, एंड यहाँ पर ब्लू भी आता है जो कि मेरे को गॉट कुछ देता है, आई डोंट नो क्या था ये। एंड उसके बाद हम लोग और मैं पिकाचू ड्रेस पहनते हैं जहाँ पर मैं कैप्टन के शिप के मतलब कैबिन के और निकलता हूँ। लेकिन उस रास्ते में मुझे अपना फिर से जिगर का टुकड़ा मिलता है। एंड लौंडा वापस से अपने जिगर के टुकड़े में क्या ही बोलूँ मैं इसको कुछ बोलने का ही नहीं, बार बार इसको मेरे से कम्पीट करना है। मतलब हारता है बंदा फिर भी बार बार तुम मुझे से ही बीटना है। बट उसी बीच मेरा बल्बासॉर हो गया था इवॉल आइवासॉर के अंदर। एंड उसके बाद मैं कैप्टन के यहाँ पर आया एंड कैप्टन ने यहाँ पर मैं पिकाचू को कट सिखा दिया, जो कि था मतलब हाँ सीक्रेट टेक्निक ऑफ चॉप डाउन। एंड उसके बाद अपना शिप जा रहा था। एंड यहाँ पर मेरे पिकाचू को देखना, तुम पिकाचू भाई कैसे हाथ हिला रहा है, कितना मस्त लग रहा है, छोटा बच्चा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा था पिकाचू इस मोमेंट में। फिर हम लोग आ गए जिम के अंदर जहाँ पर एक लौंडा मेरे को बोलता है बहुत सही भाई तूने सीख लिया ये चीज़। एंड फिर हम निकल जाते हैं इलेक्ट्रिक जिम के अंदर जहाँ पर मेरे को चाबी ढूंढना पड़ेगा इस जिम का, ये के मतलब हाँ इलेक्ट्रिक हटाने के लिए, जिसके खातिर मैं अंदर घुस सकूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर डस्टबिन में चाबी ढूंढ रहा था, तभी एक लौंडा मेरे से बैटल शुरू कर देता है। अपन इसका पिकाचू को ऊपर दया नहीं करते, मार देते हैं एंड फिर अपन को एक चाबी मिल जाता है। एंड उसके बाद दूसरा चाबी ढूंढने जाते तो वापस से लॉक लग जाता है। एंड फिर उसका एक लौंडा में से बैटल करने आता है एंड दूसरा लौंडा भी बैटल कर लेता है। बट उसी बीच में को यहाँ पर चाबी मिलता है, एक चाबी। एंड आई एम सो लकी कि यहाँ पर दूसरा चाबी मेरे को मिल जाता है। फिर हम जाते हैं इस लौंडे के पास एंड भाई साहब ये तो भाई अपने पूरे एटीट्यूड में रहता है, सबसे मस्त जिम लीडर दिखता है भाई, ये क्या एटीट्यूड है इसका। फिर भाई ये अपना फेंकता है वोल्टोब को, जिसके बाद हम फेंकते हैं अपने पिकाचू को एंड ये लाठी मार मार के करीब 7 से 8 लाठी मार के इसको ख़त्म करता है। आफ्टर डैट इसका आता है मैग्नम आईडी, जिसको हम 2 लाठी आते मारते हैं एंड फिर ये थंडर बोल्ट करता है एंड फिर हम इसको वापस से मार देते हैं। एंड इसका भाई राइचू भाई लिटरली इतना ज़्यादा ऑसम है भाई, क्या ही बताऊँ इसके पावर के बारे में। मैंने पहले इसके ऊपर पोजिशन किया एंड इसके बाद मैंने इसके ऊपर लीव सीड भी किया। एंड आफ्टर ऑल देखो ये लौंडा इतना पावरफुल है कि इसने मेरे हर एक पोकेमॉन को लगभग 1 शॉट ही निपटाएगा, इसमें क्या बताऊँ तुम्हें। बट लास्ट ऑफ द मोमेंट मेरे पोकेमॉन्स का ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा, बट पोजिशन एंड लीव सीड के लिए मर गया। एंड उसके बाद मेरा स्क्वाटल यहाँ पर होने वाला था इवॉल्व वॉट होटल के अंदर एंड हो चुका था। एंड उसके बाद यहाँ पर ये बंदा काफ़ी स्माइल करता है, थंडर बैच हमें देता है जिसके खातिर मैं और पिकाचू नाचते हैं। एंड इसके बाद ये अपना ऑटोग्राफ मेरे को दे देता है एंड फिर ज़्यादा कुछ होता नहीं, थंडर बोल्ट मेरे को देता है जो कि मेरा यूज़फुल नहीं था बिकॉज पिकाचू के पास ऑलरेडी था एंड कोई और पोकेमॉन सीख नहीं सकता इन फ्यूचर शायद से कोई पोकेमॉन सीख ले। फिर हमें मिस्ट्री डिग्लेट केव के पास ले आती है जहाँ पर हम डिग्लेट केव के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पर भाई सब काफ़ी सारे डिग्लेट हमें मिल चुके होते हैं। तो उनमें से एक डिग्लेट को अपने पॉकेट में भरते हैं। उसके बाद डिग्लेट केव से बाहर आने के बाद एक साइंटिस्ट मेरे को मिलता है जो कि मेरे पिकाचू को लाइट अप करने की सीक्रेट टेक्निक सिखाता है। उसके बाद मेरा दोस्त जब मेरे को मिलता है एंड जो मेरे को इस साइड में ले आता है एंड बोलता है कि चल भाई यहाँ से जाना है। एंड उसी रास्ते में मैं कैच करता हूँ एक प्यारे से रैटी कैट को, जो कि बहुत अच्छा पोकेमॉन लगता है मेरे को। फिर हम काफ़ी सारे लॉन्डो कराते हैं
एंड फाइनली पहुंच जाता है यहाँ पर, जहाँ पर मेरे को एक फ्यूरो मिल चुका था। तो या ये मेरा फर्स्ट पोकेमॉन है जो कि मैक्स इवॉल्व फॉर्म में मैंने पकड़ा इसको। एंड उसके बाद हमने क्रैबी को भी पकड़ लिया था एंड फिर हम लोग निकल पड़े यहाँ पर। बट यहाँ पर टीम रॉकेट आ चुकी थी, आई डोंट नो कैसे, पर ये लोग मेरे को इस बार बंदी बनाने के सोच में थे, मतलब मेरे को पकड़ के किडनैप विडनैप करने के सोच में थे। तो ये लोग यहाँ पर आए, लेकिन अभी यहाँ पर इनकी बैंड बजी है बिकॉज यहाँ पर आ चुकी थी ये लॉन्डिया जो कि लैपटॉप के ऊपर बैठी हुई थी एंड इसकी लेजेंडरी प्रेजेंस आ रही थी इससे भाई, काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है जो भी है भाई। एंड फिर यहाँ से भाई ये लॉन्डे बोलते कि मैं इसको एक को संभालू या तीन को संभाल देगी। तो हम सोचते क्या बात है भाई, एक को संभालना पड़ेगा जस्ट। तो अपन एक बंदे से बैटल शुरू करते हैं यहाँ पर एंड इसके रैटी कैट को मेरा पी कैचू बहुत गंदी तरह मारता है। एंड फिर ये तीनों डर जाते कि भाई ये कौन लड़की है जो कि इतनी पावरफुल है। तो भाई साहब उसके बाद ये बोलती है कि भाई ये है क्या बोलते हैं उसको, इलाइट फूड की मेंबर है। इसके बाद ये लोग भाग जाते हैं एंड फिर मैं पिकाचू को हाई बोलती है एंड ये फिर निकल जाती है अपने रास्ते पर। एंड फिर हम लोग निकलते हैं टनल के लिए जो कि होता है आई थिंक रॉक टनल, जिसके अंदर आती मेरे पिकाचू लाइट अप करता है अपने सीक्रेट टेक्निक से। एंड फिर हम यहाँ पर एक ग्रैवलर पकड़ते हैं, हम लोग यहाँ पर फिर एक राइहॉन पकड़ते हैं एंड उसके बाद हम लोग एक मचैम को पकड़ते हैं, मतलब हाँ मचौक। एंड उसके बाद हम लोग पकड़ते हैं एक कैंगास खान को एंड एक कीवोन को भी कैच कर लेते हैं अपन एंड और एक पोकेमॉन जो होता है गोल बैट, इसको भी हम कैच कर लेते हैं यहाँ से। मतलब काफ़ी सारे पोकेमॉन हो चुके थे हमारे पास एंड फिर हम काफ़ी सारे ट्रेनर्स को कुत्ते की मौत पीटते हैं, सुअर की मौत पीटते हैं, हम निकल जाते हैं बाहर जहाँ पर हम लेवेंडर टाउन के पास आ चुके थे। लेवेंडर टाउन तुम्हें पता है काफ़ी हॉरर है एंड आते ही भाई साहब एक कीवोन घुस चुका था लेवेंडर टाउन के बड़े जगह के अंदर, मतलब जो था आई थिंक हाँ उसका टाउन का आई थिंक घोस्ट टावर, हाँ उसके अंदर घुस चुका था। तो मैं आ चुके थे घोस्ट टावर के अंदर बट आते ही मेरा जिगरी दोस्त, जिगर का टुकड़ा, जिगर का छल्ला वापस से आता है अपना रफ्तार दिखाने, बट इसको भी हम लोग फिर से ख़त्म कर देते हैं। एंड आफ्टर डैट हम लोग जब सेकंड फ्लोर पर जाते हैं तो हमें दिखता है पता नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ था, बट यहाँ पर एक घोस्ट दिख जाता है भाई जो कि बहुत डरावना था। एंड मेरा दोस्त तो भाग ही जाता है, बट अपन लोग यहाँ से रहते हैं, बट अचानक कीबोन आता है एंड मीमी कुछ करता है एंड ये घोस्ट भाग जाता है यहाँ से। एंड फिर कीबोन भी भाई भाग जाता है अपनी मम्मी को ढूंढने। एंड फिर अपन लोग क्या करते हैं यहाँ पर आते हैं बट कुछ घोस्ट मेरे को यहाँ से पकड़ लेते हैं एंड भेज देते हैं नीचे। एंड फिर अपन को कुछ नहीं करना था, अपन वापस से यहाँ पर लेवेंडर टाउन में आते हैं बट यहाँ पर कुछ एक गड़बड़ हो चुकी थी। ये लोग टीम रॉकेट के पास कीबोन जा चुका था एंड कीबोन टीम रॉकेट के झांसे में फंस चुका था। एंड फिर टीम रॉकेट कीबोन को लेकर निकल जाती है अपने रॉकेट सेंटर के अंदर। फिर अपन लोग को क्या आता भाई, अपन लोग आते हैं नेक्स्ट सिटी के अंदर जो कि टीम रॉकेट कड्डा था एंड यहाँ पर मेरे को ब्रॉक मिलता है जो कि भाई मेरे से अच्छा खासा बात कर रहा था। एंड फिर उसके बाद इसने मेरे को यहाँ से एक पता नहीं क्या चीज़ दी, फ्रोस चीज़ एंड जो भी था एंड उसको मेरे को दिया। एंड उसके बाद इसने टी दिया जो कि भाई हमें बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है। एंड फिर हम निकल गए यहाँ के सबसे बड़े शॉप के अंदर जहाँ पर इतना कुछ खास नहीं था, तो हम निकल गए भाई, बहुत बड़ा शॉप था बट कुछ काम का नहीं था। फिर हम यहाँ पर गेम सेंटर पे आए जहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखा टीम रॉकेट का, जिससे मैंने बैटल कर लिया। एंड लॉन्डे के पोकेमॉन भाई इतने तो ज़्यादा सही नहीं थे जितना इसका स्वैग था। तो फिर हमने इसको हराया एंड यहाँ पर अचानक ही एक पोस्टर के बारे में बात कर रहे थे एंड जैसे जम से उसी पोस्टर के बारे में बात कर रहे थे, हमने पोस्टर को बटन था जिसको हमने क्लिक किया एंड उसके बाद ये ज़्यादा डोर खुल चुका था यहाँ पर। एंड फिर हम यहाँ पर जब अंदर आए तो मेरे को एक लॉन्डिया से पिकाचू और मेरे लिए एक ड्रेस मिली टीम रॉकेट सेट, जिसको मैंने पिकाचू ने पहन लिया भाई, प्योर टीम रॉकेट मेंबर लगने चाहिए। फिर हमने काफ़ी ज़्यादातर मतलब एक घंटे तक यहाँ पर फाइट की, पर पता उसके बाद मेरे को लिफ्ट की मिली जिसके खातिर हम लिफ्ट में चढ़ सकते थे एंड जियो मनी तक पहुँच सकते थे, बट ये बंदे ने उठा के लिफ्ट की को फेंक दिया यहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं थी बिकॉज मैंने यहाँ पर चेयर लाई एंड चेयर के बाद मैं उठा एंड तो पिकाचू को फेंका भाई लेके आ मेरे की। तो पिकाचू यहाँ पर आ चुका था एंड पिकाचू को मैं कंट्रोल कर पा रहा था अभी। तो जब भी मैं इस साइड को आता हूँ ना, तो मेरे को दिखता है टीम रॉकेट के मेंबर जो कि कीबोन को कैच कर चुके होते हैं, टीम रॉकेट का बॉस जियोवानी। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद अपना पिकाचू को मिल जाता है लिफ्ट की, लिफ्ट की को कलेक्ट करते हैं एंड आफ्टर ऑल हम लोग निकल जाते हैं फ्लोर 4 पर लिफ्ट के थ्रू। एंड उसके बाद फाइनली मुझे यहाँ पर टीम रॉकेट के मेंबर्स दिखते हैं जो कि प्योर टीम रॉकेट के मेंबर्स है, जेसी एंड जैम, जिनके पोकेमॉन्स को भाई मेरा बल्बसॉर पहले एक को तो हराता है एंड उसके बाद मेरे आइवसॉर दूसरे को भी हरा देता है, वैसे सॉरी फॉर बल्बसॉर, मैंने बल्बसॉर कह दिया इसको। एंड उसके बाद टीम रॉकेट भाग नहीं देते, मैं पिकाचू भाई रैक करता है एंड टीम रॉकेट भाग देते हैं डर के मारे। एंड फाइनली उसके बाद हम आते हैं जियोवानी के पास जहाँ पर उसका चमचा उससे पहले मेरे से बैटल करने की बात कर रहा था, तो हमने उसकी औकात दिखाने के लिए ख़त्म कर डाले उसके पोकेमॉन को, कुत्ते की मौत मारी। एंड फिर जियोवानी आ गया हमसे बैटल करने भाई साहब, मतलब मेरे को किड किड बोल रहा था, तो दिखा दे भाई बच्चा कौन है बाप कौन है। तो फिर जियोवानी अपनी औकात समझ गया और
लौंडा अपनी हार स्वीकार करता है यहाँ से। उसके पोकेमॉन को इतना गंदा पीटा था भाई, स्वीकार तो करना ही है उसको। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये बंदा हारता है, एंड उसके बाद कीबोन को भी हम चुरा सकते हैं, एंड फिर मुझे स्कोप देता है जिसके खातिर मैं घोस्ट को देख सकता हूँ कि घोस्ट कौन सा घोस्ट क्या है। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ के जिम के अंदर जो कि इरिका का जिम था, एंड लिटरली इतना बड़ा जिम कौन होता है इरिका, लगभग आधे से मतलब 25 मिनट या मुझे 45 मिनट यहाँ पर लग चुके थे इरिका को ढूंढने के। इतने सारे बैटल थे यहाँ पर, इतने सारे बैटल मैंने की, सारे बैटल की, एंड फिर फाइनली इरिका के साथ मेरी बैटल शुरू हो चुकी थी। एंड इरिका जो थी भाई काफ़ी मस्त ट्रेनर थी, काफ़ी अच्छी लुकिंग थी, इसकी जगह जो था वो काफ़ी मस्त था, वो ग्रीन मेरे को काफ़ी पसंद है, तो इरिका भी ग्रीन वाली जगह में थी। तो उसके बाद मैंने इसके फर्स्ट पोकेमॉन को बीट किया यहाँ से, एंड उसके बाद उसका सेकंड पोकेमॉन आया विक्ट्रीबेल, ये ना हाँ विपिंग बेल जिसके ने मेरे 4 मिनट की बजा डाली, मतलब 4 मिलियन की। फिर हमारा पिजोट आया जिसने पिजोटो ने इसको हराया, सॉरी पिजोटो, एंड उसके बाद उसका लास्ट पोकेमॉन था जिसका मून ब्लास्ट अटैक भाई क्या ही पावरफुल था, एंड मेरा फाइनली मेरा पिजोटो मर जाता है। फिर लास्ट ऑफ दी मेरे पिकाचू इसको बीट करता है, एंड उसके बाद इरिका हार मानती है, मैं और पिकाचू अपने जोश भरे नज़रों से मतलब मिलाते हैं तालियां, एंड फिर हमें मेगा ड्रेन मिलता है, अपना जिम बैज भी, एंड फिर अपन लोग क्या करते हैं इस जिम से अपन निकल लेते हैं। एंड उसके बाद मैं अपने प्यारे से आइवर सर को सिखा भी देता हूँ मेगा ड्रेन, एंड फिर हम लोग एक प्यारे से आपड़ा को कैच करते हैं। हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं घोस्ट टावर के अंदर, जहाँ पर अभी मैं अपने स्कोप का यूज़ करके घोस्ट को देख सकता था कि कौन से घोस्ट कौन थे। तो भाई कुछ ज़्यादा क्वेश्चन था, गैसली एंड हंटर ही थे जो कि परेशान कर रहे थे, एंड उसके बाद अब मैं एक गैसली को कैच करता हूँ, एंड फिर मैं आ जाता हूँ सबसे ऊपर वाले फ्लोर के अंदर जहाँ पर मेरे को कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, एंड फाइनली यहाँ पर दो हाथ पेड़ होते हैं, खतरनाक घोस्ट आता है जिसको देख के भाई गैरी की तो फट चुकी थी बिल्कुल, बंदा क्या पता नहीं क्या कर रहा था। एंड फाइनली उसके बाद मैं इसको देखता हूँ अपने स्कोप से, एंड ये निकलता है कीबोन की मदर जो कि होती है एक मैरोवैक, एंड इसके बाद मैरोवैक को भाई अपने बच्चे की याद आती है, एंड कीबोन इसको टच करना चाहता है कि इसका मदर बन जाती है पूरी चुंगी, मतलब उड़ जाती है भाप बन के, एंड फिर हमको भी काफ़ी बुरा लगता है। बट अपना जो ये बंदा होता है मेरा दोस्त गैरी जो बोलता है तेरी मॉम तो स्कैरी थी बट मैं तेरे को पालूंगा डोंट वरी, मैं तेरा मम्मी बन जाऊँगा, एंड फिर भाई क्या था हम ऊपर चले जाते हैं। बट यहाँ पर जब भी ऊपर जा रहा था तभी पता नहीं कहाँ से टीम रॉकेट आ गई मेरे को रोकने, एंड उसके बाद क्या था हमने इनको बहुत गंदी तरह पीटा, इन्हें निकल गई, एंड उसके बाद मेरे को मिले ये तो थे मिस्टर फोजी जिसके जिन्होंने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया, मुझे दिया पोके फ्लड, एंड पोके फ्लड के साथ में स्नोलैक्स को जगाने चला गया उसी बड़े वाले सिटी में जहाँ पर बड़ा सा एक शॉप है, एंड यहाँ पर पोके फ्लड के थ्रू मैंने स्नोलैक्स को जगा तो लिया था बट अभी प्रॉब्लम था इसको हराना। तो फाइनली भाई ये मुझे अटैक कर चुका था, तो भाई काफ़ी टाइम यहाँ पर मुझे इसको साथ बीट करने में लगा, बट फाइनली मैंने इसको हरा दिया बिकॉज इसके पास रेस्ट जैसी खतरनाक अटैक है, लगभग मेरे पूरे टीम को खा जाने वाला था, बट फाइनली मैंने इसको कैच किया एंड अपना टीम में ऐड कर लिया, एंड आफ्टर दैट मेरे एक डोजो को कैच किया, एंड यहाँ से मेरे को मिल चुका था फ्लाई। बट इस गेम में फ्लाई मैंने सिखाया था अपने पीजी ऑटो को, बट गेम में फ्लाई का कोई यूज़ नहीं था, तुम फ्लाई से फ्लाई नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, हम निकल पड़े नेक्स्ट सिटी के लिए, एंड लेवेंडर टाउन में आने के बाद हम नीचे के साइड निकल पड़े फिशमैन एरिया के, मतलब फिशरमैन एरिया के साइड में, एंड यहाँ पर ओरेक्स नॉलेक्स था जिसको हमने यहाँ पर जगाया एंड इसको हमने मार ही डाला, बस ये किसी काम का नहीं था। फिर हम चले गए लेफ्ट साइड के अंदर फिशरमैन एरिया के लेफ्ट साइड में जहाँ पर हम लोग को मिल चुका था ओरेक्स सिटी, एंड यहाँ पर हमको टी का यूज़ करना था, मतलब बंदे को मैंने चाय पिलाई, टी दिया जो ब्रॉक ने हमें दिया था, इसे खा लिया, एंड फिर बोला भाई तू आगे जा सकता है, जा निकल जा जी अपनी ज़िंदगी। तो हम निकल गए अपनी ज़िंदगी को जीने, बट यहाँ पर तो कुछ और ही लफड़ा चल रहा था, मतलब यहाँ पर टीम रॉकेट ने बिल्कुल कब्जा वब्जा करके रख दिया था, कुछ भाई भाई वाला मतलब हम भाई भाई वाला भाई नहीं क्या बोलते हैं भाई लोग वाला सीन है बिल्कुल अड्डा अड्डा। तो यहाँ पर जैसे जेम्स को घुसने नहीं दिया जाता है, लेकिन भाई अपनी जैसी कहाँ मानने वाली थी, बंदी बंदे को साइड करती है निकल जाते हैं। उसके बाद जेम्स बोलता है यार कितनी शाती रही है, फिर ये लोग भी निकल जाते हैं अंदर, एंड फिर अपना भाई भी निकलता है अंदर। आफ्टर डैट मैं यहाँ पर घुसता हूँ, प्रेसिडेंट का भाई बिल्कुल बंगला था, मतलब प्रेसिडेंट का बिल्डिंग था जहाँ पर टीम रॉकेट ने कब्जा कर लिया था। फिर यहाँ पर ब्लू आता है एंड मेरा दोस्त गैरी भी आता है जो हम लोग बात कर रहे थे, बट गैरी को पता नहीं कौन सी चोली यहाँ से मस्ती है। देखो गैरी बोलता है भाई भाड़ में जाओ, तुम पहले अपने को प्रूफ करो, मेरे से बैटल करो, अपने पावर दिखाओ। यार क्या प्रेसिडेंट मुसीबत में साले, समझ तो जाता, बट कोई बात नहीं, हम इसे बाकी करने आ जाते हैं ना, हम इसको अपनी स्नॉरलैक्स की पावर दिखा देते हैं, एंड उसके बाद मेरा स्नॉरलैक्स भाई दबे शहीद होता है, एंड उसके बाद मैं अपने पिकाचू को बेचता हूँ, एंड उसका पोकेमॉन जो होता है वो होता है प्यारा सा चार्विस ड्राइड जिसको मैं भाई 2 शॉट के अंदर निपटाता हूँ, एंड फिर हम लोग निकल जाते हैं ऊपर की साइड टीम रॉकेट को ढूंढने। एंड उसके बाद यहाँ पर करीब मैं 1 से आधा घंटा तक मतलब बैटल करता रहता हूँ, 1 से 1.5 घंटा बैटल करता रहता हूँ इनमी के साथ, एंड फिर मेरा बल्बसॉर मतलब आइबसॉर हो जाता है फाइनल स्टेज में इवॉल्व विनसॉर के अंदर।
एंड फिर मेरे को यहाँ से एक लैपलिस भी मिलती है एक बंदे से, ठीक है, लैपलिस मिलती है एक साइंटिस्ट से, जो कि आई थिंक मैं तुम्हें शो नहीं कर पाया, आई थिंक रिकॉर्डर स्टॉप हो गया था तब। बट यहाँ पर मेरे को एक लौंडा मिलता है जो कि टीम रॉकेट का मेंबर था, मेरा दोस्त भी आता है गैरी, जो उसके बाद हम दोनों मिलकर इनको बीट करते हैं। एंड फिर ये लोग डर के मारे भाग जाते हैं अपने बॉस को बताने की कुछ हो रहा है गड़बड़। एंड फिर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरा गैरी यहाँ पर दोस्त यहाँ पर खड़ा होता है, बट ये लौंडा आता है, मेरा दोस्त बोलता है मैं संभालूंगा इसे, तू निकल एलेक्स, आज तुझे टीम रॉकेट को हराना पड़ेगा। तो लोग यहाँ पर आ जाते हैं मेरे दोस्त के ऊपर भरोसे उस बंदों को छोड़ के। एंड उसके बाद टीम रॉकेट वापस से आती है अपने हार को कबूल करने। एंड उसके बाद हम निकल जाते हैं जियोवानी के पास, जो कि प्रेसिडेंट को बोल रहा था भाई मास्टर बोल देते वरना तेरी फाड़ डालूंगा आज मैं। बट यहाँ से होता है हीरो का एंट्री, जो कि बोलता है अबे आ जा अपने साथ रहना। एंड उसके बाद हम इसको हराते हैं। एंड फिर क्या था भाई, जियोवानी उल्टे पैर निकल जाता है जहाँ से आता है। एंड फिर प्रेसिडेंट अपने ऊपर हो जाता है फिदा और हमें देते हैं मास्टर बॉल। एंड अपन को भाई मास्टर बॉल मिल चुका था और क्या चाहिए था। फिर अपन लोग अब यहाँ पर जो फाइटिंग का एरिया होता है यहाँ के सारे मास्टर्स को हमने हरा दिया। एंड मास्टर को हराने के बाद मेरे को दो पोकेमॉन से एक पोकेमॉन सेलेक्ट करने का मौका मिला, तो अपन ने हिटमॉनली को चॉइस किया। एंड पता नहीं मेरे को ज़्यादा पसंद है मोर देन हिटमॉनचैन, आज पसंद आ गया। फिर हम जिम के अंदर घुसे, बट जिम के अंदर मेरे को पता चला कि अपनी औकात नहीं है, बिकॉज लेवल 45 का पोकेमॉन में शो करना पड़ेगा जिम के अंदर जाने के लिए। तो मेरे को धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया गया। वापस से मैं मतलब मिड सिटी में आया एंड यहाँ पर मैं पिकाचू को मिला स्काई डैश, मतलब मैं हम हवा में उड़ सकते थे, मतलब फ्लाई कर सकते थे। फिर वापस मैं आ गया फिशरमैन एरिया के साइड एंड यहाँ पर मेरे को काफ़ी सारे फिशरमैन को हराना पड़ा। फिर हमें एक फायरफिश मिला जिसको हमने कैच किया। एंड फिर अपना पिजी ऑटो भी अपने उस मोमेंट पर आ चुका था जहाँ पर वो फाइनल स्टेज में जा चुका था। एंड उसके बाद हम लोग निकल लिए, लेकिन यहाँ पर मेरे को टोरोस मिला एंड टोरोस को हमने यहाँ पर कैच किया। एंड काफ़ी सारे बंदों से यहाँ पर हमने बैटल भी की, उसके बाद बहुत ज़्यादा बैटल, करीब एक से आधा घंटा तो हम यहाँ पर बैटल करते रह गए। फिर हमारा वॉर टर्टल जो है यहाँ से इवॉल्व हो गया फाइनली। एंड उसके बाद हमारा जो भाई चारिज़ार्ड था ना भाई, सच में चारिज़ार्ड मिल रहा मेरे को यहाँ से, तो मैं दिल खुश हो गया भाई, चारिज़ार्ड मेरा बन चुका था। एंड उसके बाद हम निकल लिए कोगा के जिम के लिए। तो हमने पहले पोकेमॉन सेंटर से हील कराया, फिर हम निकल गए चारिज़ार्ड के ऊपर बैठ के कोगा को हराने। जहाँ पर पहले तो भाई साहब काफ़ी सही लग रहा था सब कुछ ठीक है, बट ये बंदा मेरे से उल्लू बना दिया, ये कोगा बन के मैं मतलब वो कर रहा था आंसर क्वेश्चन से पूछ रहा था। एंड उसके बाद कोगा भाई पता नहीं निकल गया अपनी जगह। एंड ये बंदा बोलता है मेरे को तो उल्लू बना दिया गया है, मैं उल्लू हूँ, हाँ मैं मानता हूँ मैं उल्लू हूँ। उसके बाद मैं निकल गया एंड कोगा के सारे जिम मतलब बंदों को हराने के बाद मैं कोगा के पास पहुँच गया। एंड आफ्टर ऑल भाई ये जिम लीडर ना काफ़ी खतरनाक है, मतलब क्लोन बनाता है, अपने क्लोन बना के डराता है भाई। एंड आफ्टर ऑल कोगा के साथ हमारी ऐसी बैटल शुरू हो जाती है। एंड ये लौंडा काफ़ी ज़्यादा औसम पोकेमॉन ट्रेनर मतलब जिम लीडर है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ पॉइजन टाइप पोकेमॉन होते हैं। इसके पहले पोकेमॉन को तो हम कैसे किस तरह से हराते हैं मुझे ही पता है। एंड उसके बाद उसका जो मक होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है, एल लगा देते हैं मेरी पूरी टीम की। बट फाइनली मैं उसको हराता हूँ। एंड उसके बाद उसका नेक्स्ट पोकेमॉन को भी हम हराते हैं। एंड लास्ट उसका पोकेमॉन था भाई उसका प्यार से वेनमैच, जिसको भाई मेरा चार्जर अपने फायर स्पिन से थोड़ा बहुत डैमेज दे रहा था। एंड हाँ लेवल एडवांटेज नहीं सॉरी टाइप एडवांटेज तो था अपने पास, बट इतना काम नहीं आ रहा था। बट फाइनली मेरे चार्जर ने मुश्किल तरीके से हो लेकिन हरा दिया इसे। एंड उसके बाद कोगा अपना हार मानता है और क्या था भाई मेरे को टॉक्सिक देता है। एंड हम लोग जिम बैग लेके निकल जाते हैं यहाँ से। बट यहाँ पर मेरे को पोकेमॉन पार्क मिल चुका था एंड जहाँ पर मैं पिकाचू स्लोबड़ो एंड भाई साहब बाकी सारे पोकेमॉन जो होता है जो कि कंगस खान का प्यासा बच्चा एंड उसके बाद अपना वल्पिक्स एंड ग्राउलित के साथ खेल रहा था मज़े से। बट यहाँ पर भाई एक प्रॉब्लम होती है, जब ये टोरोस के पास आता है टोरोस से डरा देता है, बट अपना पिकाचू हार नहीं मानता, ये दूसरे पोकेमॉन के साथ भी आके खेल रहे थे कि साइडक एंड नीचे वाला पोकेमॉन का नाम नहीं पता मुझे इस समय, पोकेमॉन मतलब विलुप्त होने वाला पोकेमॉन। फिर अपना पिकाचू अपने मास्टर के पास आता है एंड यहाँ पर हम लोग घूम ही रहते हैं, तभी अपन को पता चलता है कि ये लौंडा मेरे पिकाचू को सिखा सकता है सर्व मतलब सी स्कीम। एंड उसके बाद मैं पिकाचू सर्व सीख लेता है यहाँ से। एंड उसके बाद अपन निकलते साइड वाले एरिया में मतलब साइकिल मैन एरिया की ओर, जहाँ पर काफ़ी सारे बाइक साइकिल लेके लोग बैठे होते हैं बाइक एरिया के ओर। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ के सारे ट्रेनर्स को ए टू जेड बीट कर लेते हैं। एंड फिर हम लोग पकड़ते हैं एक डोजियो को जो कि तीन सर वाला होता है। एंड फिर एक पॉनिटा को कैच करते हैं एंड फिर अपन लोग कैच करते हैं एक रैपिडैश को। एंड भाई साहब क्या ही बोलूँ यार, रैपिडैश का जो सवारी में करने में जो मज़ा आता है ना, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, जो आत्म शांति मिलती है, वो और किसी पोकेमॉन के दौड़ने में नहीं है। बट भाई वो मतलब शांति ना इस डोडियो के साथ नहीं मिलती एंड ना ये टोरोस तुम्हें दे पाता है, मतलब ये टोरोस जो है वो नहीं दे पाता तुम्हें। बट भाई सच कहो तो लैपलिस काफ़ी मज़ा आता है लैपलिस के साथ जाने में। एंड गैरडोस भी सेम ऐसे मस्ती देता है तुम्हें एक्सपीरियंस। एंड उसके बाद हम लोग निकलते हैं नीचे की साइड, जहाँ पर भाई टीम रॉकेट यहाँ पर होती है। एंड ये लोग कुछ बात कर रहे थे, तभी अचानक जैसी को कुछ दिखता है, वो उसको मिलता है गोल्डन टीथ, देखिए उसको लेके भाई मेरे हवाले छोड़ते कि तुम हमारे लिए इसको अभी रखो, हमको बहुत काम है, अपन को निकलना पड़ेगा, अपन बिजी है। तो उसके बाद अपन रखते हैं, पर पता नहीं कौन सा नॉनसेंस अपने ओपोनेंट का, तो कौन देता है इतनी महत्वपूर्ण चीज़ गोल्डन टीथ। एंड उसके बाद हम लोग चार्मी एंड कुछ और पोकेमॉन को कैच करते हैं।
उसके बाद हम लोग इस सी की ओर निकल जाते हैं। लिटरली जितना टीवीएं के अंदर दिखाया जाता है ना, उससे काफ़ी गुना बड़ा है ये सी। एंड फिर हमको एक लैंड मिल जाता है जहाँ पर एक केव था, एंड ये आइस केव है अपना। एंड यहाँ पर लिटरली भाई काफ़ी बड़ा केव, एंड इसके अंदर मेरे को 2 से 3 घंटा लगता है लिटरली। इतना बड़ा डिफिकल्ट है ना पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू में इस केव को पार करना। बट उस बीच में एक जिंक्स को कैच करता हूँ, एक स्लो पोक को कैच करता हूँ। एंड उसके बाद भाई मैं कुछ पत्थरों को पिकाचू असीम ताकतों से ढकेलता हूँ, एंड वो ताकत मेरे को एक अंकल से मिली थी जो मैं तुम्हें शो करवाना भूल गया वीडियो के अंदर, सॉरी। एंड उसके बाद हम एक सील को कैच करते हैं एंड एक ड्यूगोंग को कैच करते हैं, एंड उसके बाद हम अपनी असीम ताकतों से दूसरे पत्थर को भी नीचे गिराते हैं। मतलब सर हर चीज़ को हम नीचे गिराते रहेंगे, बट यहाँ पर कितनी बार मैं खुद नीचे गिराऊँ मैं क्या बताऊँ यार, कदम समझ नहीं आता यार, बहुत बार मैं नीचे गिराऊँ। 10 से 15 बार मैं नीचे गिराऊँ, फिर ऊपर आया, नीचे गिराऊँ, पड़ा नीचे गिराऊँ, पड़ा, ये होता ही रहा अपने साथ। फिर फाइनली टाइम आ चुका था जब हम जाने वाले थे खुद नीचे, एंड यहाँ पर पानी हो चुका था शांत, बट यहाँ पर एक लेजेंडरी प्रेजेंस आ रही ना तुम्हें, खतरनाक लेजेंडरी पोकेमॉन यहाँ पर था। एंड दिस इज माय फर्स्ट लेजेंडरी पोकेमॉन जिसके साथ मेरी काउंटर हो चुकी थी, एंड ये था अपना प्यासा आर्टिकुनो। यस, एंड इसका भाई रोर क्या मस्त था। एंड फिर बंदी ने मेरे साथ बैटल शुरू कर दी, बट ये लौंडा मेरे हर पोकेमॉन को देखना तुम, हर पोकेमॉन को लिटरली वन शॉट निपटा रहा था भाई, इतने पावर आती का है तुम, मतलब आती कैसे भाई। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, अपने चार्जार्ड को भेजा, मैं सोचा भाई ये कुछ कर पाएगा आर्टिकुनो के अगेंस्ट, मैंने अपने चार्जार्ड को भेजा, एंड फिर चार्जार्ड ने थोड़ा थोड़ा डैमेज करके थोड़ा बहुत डैमेज पहुँचाया। फिर लास्ट ऑफ द मेरे पिकाचू ने अपने थंडर के साथ इसको फिनिश किया। एंड फिर भाई तो इसको पकड़ने का, तो भाई सच बता रहा हूँ आई डोंट नो हाउ, बट आर्टिकुनो जो था वो अपने फर्स्ट पोकेबॉल के अंदर ही पोकेबॉल में घुस के एंड शांत होकर बैठ गया, निकला थी फर्स्ट पोकेबॉल में, अल्ट्रा बॉल में कैच हो गया लौंडा। फिर हमने इसको अपने टीम में घुसाया पिज्जीओट को निकाल कर, एंड फिर हमने एक मैजिक आर्फ को पकड़ा विथ 3 अल्ट्रा बॉल, 3 अल्ट्रा बॉल वेस्ट किया मैंने मैजिक आर्फ के ऊपर। फिर एक शेल्डर को पकड़ा, एंड फिर भाई हमको एक स्लोबड़ो मिला चलते चलते, एंड फिर हमने उसको भी पकड़ा यहाँ से। एंड फिर उसके बाद मेरे को यहाँ से आउट का रास्ता मिल चुका था जो कि एंड था। एंड इसके बाद हम यहाँ पर बाहर आए गए थे, एंड यहाँ पर सी स्कीम वापस कर लेते पिकाचू के साथ मजे से, बट यहाँ पर हमको मिला गैराडोस जो कि भाई पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था भाई, कहाँ कहाँ सवारी कर रहा था। फिर हमको गैराडोस को हमने कैच कर लिया यहाँ से, एंड गैराडोस काफ़ी ऑसम पोकेमॉन है, इसका सवारी करने में तो अलग ही मज़ा आता है, एंड वो मैं कभी तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। बट इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट सिटी के अंदर जहाँ पर टीम, मतलब टीम लोकेट नहीं, जहाँ का जिम होता है बंद, तो उसके लिए खोलने के लिए तुम्हें की लगता है। तो भाई साहब हमने टीम पहले अपने पोकेमॉन को हील कराया, फिर हम की ढूंढने निकल पड़े जिम का, ठीक है। तो जिम का की भाई इस घर के अंदर हमको मिलेगा, हमको पता था। एंड उसके बाद यहाँ पर मेरे को एक मैगमार दिखता है जिसको देख के भाई दिल का ज़्यादा चाहता है ना उसको कैच करने निकल जाता है, बिकॉज हमको करना है पोकेडेक्स कंप्लीट। तो हम मैगमार को कैच करते हैं, यहाँ से हमको ग्राइमर मिलता है। एंड उसके बाद भाई साहब हमें चलते चलते एक मक से काउंटर हो जाता है जिसके बाद हम मक को भी कैच कर लेते हैं भाई यहाँ से। एंड फिर भाई हम लोग कैच करते हैं एक प्यारे से डिटो को जो कि भाई बहुत उछल रहा था, बट फाइनली हमने इसको कैच कर लिया। एंड फिर हम निकलते हैं दूसरे जगह जहाँ पर काफ़ी सारे आइटम्स मेरे को मिल रहे थे, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइटम्स मेरे को मिल रहे थे। फिर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिखता है बहुत बड़ा, बट कोई काम का नहीं था ये। बट फाइनली नीचे आने के बाद मेरे को मिलता है सीक्रेट के, एंड फिर सीक्रेट को के लेके हम निकलते हैं जिम के और, जहाँ पर ब्लेन मिलता है अपन को, जो कि ब्लेन पता नहीं भाई बहुत उल्टा सीधा बंदा है, इतना ज़्यादा मेरे को क्विज़ के कॉम्पिटिशन में बैठा दिया था, बोला क्विज़ कम्प्लीट करो फिर हमसे बैटल करो। चलो हमने सोचा कर लेंगे भाई, ब्लेन डॉल देखने को मिलेगा हमको यहाँ पर ब्लेन डॉल। तो इसके बाद ब्लेन ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भाई, हमने सबका आंसर दिया। एंड देखो पहला नाश्ता है, एंड यहाँ से एक डॉल निकलेगा ब्लेन का नाम का, तो इसे करके हमें 5 क्वेश्चन का आंसर देने पड़े। एंड लिटरली भाई एक क्वेश्चन तो मेरा गलत भी हो गया था जिसके साथ मुझे एक बंदे से बैटल भी करना पड़ा, बट फाइनली मेरे को 5 बार क्वेश्चन का आंसर सही दिया। फिर ब्लेन उड़ गया रॉकेट बन के, एंड यहाँ से निकला अपना रियल ब्लेन जो कि भाई साहब काफ़ी तगड़ा दिख रहा था, मतलब टकला टकला इसका तगड़ा दिख रहा था, ये खुद नहीं। फिर होती है इससे बैटल चुरी जिसके आंखों में भाई देखना भाई मस्त था, बट कुछ आग जैसे जल रही थी, तुम पीछे लेके देख सकते हो अगर तुमने मिस कर दिया। उसका फर्स्ट पोकेमॉन पावरफुल था भाई, मर नहीं रहा था भाई बंदा। फिर हमने क्या किया, सबको हटाया एंड सर्फ का यूज़ किया, सर्फ सबका बाप है अभी, तो अभी जब तक हाइड्रो पंप नहीं आया था सर्फ ही बाप है सबका। एंड उसके बाद उसका आर्किनन आया जिसको भाई एक सर्फ के अंदर पटाक से ख़त्म कर दिया हमने। एंड फिर उसका सेकंड पोकेमॉन मतलब थर्ड पोकेमॉन रैपिड आया जिसको हमने एक सर्फ तो मारा, एंड वो भी वन सर्फ में ख़त्म हो चुका था। एंड फिर उसका आता है फोर्थ पोकेमॉन नाइन टेल फॉक्स, एंड उसके बाद हम बोलते हैं वन शॉट नहीं ख़त्म हुआ यार, फिर कोई बात नहीं हम 2 शॉट में उसे ख़त्म कर देंगे। एंड फायर ब्लास्ट इसका काफ़ी तगड़ा नहीं था बिकॉज हमने ब्लास्ट तो इसके ऊपर फायर ब्लास्ट ज़्यादा यूज़ नहीं होगा बिकॉज फॉर टाइप डिसएडवांटेज। एंड उसके बाद फाइनली हमने ब्लेन को हरा दिया, एंड हमको बैज मिला, एंड मेरे पिकाचू फिर से शो ऑफ करने निकल पड़े। एंड फिर हमको यहाँ से फायर ब्लास्ट मिल चुका था जो कि मैं इन फ्यूचर में अपने चार्जार्ड को जरूर सिखाऊंगा। एंड फिर हम निकल लिए वापस से दूसरे जगह, मतलब अपने मेन टाउन पीटर से टाउन पर हम आ गए थे।
एंड उसके बाद प्यूटो सिटी एंड उसके बाद हम लोग प्यूटो सिटी नहीं था पैलेट टाउन हाँ आ चुके थे। फिर हम लोग आए जहाँ पर सबरीना के जिम में जहाँ पर मेरे पास हो चुके थे पोकेमोन लेवल मैक्स लेवल के लगभग थे, मतलब मैक्स नहीं थे मतलब हाँ 45 लेवल से ज़्यादा थे। यहाँ पर लिटरली मेरे को करीब 1.5 से 2 घंटा तक घूमना पड़ा इसके जिम में। साली इतनी खतरनाक जिम बना के रखी है ना ये लॉन्डिया, क्या ही बताओ, ससुरा मन करता है कूद के मर जाए इसके जिम के ऊपर से, बट क्या करे, लास्ट ऑफ दी मेरे को 2 से 3 घंटा घूमने के बाद मेरे को ये लॉन्डिया मिलती है एंड फिर गुस्से के साथ मैं इससे बैटल शुरू करता हूँ। लिटरली भाई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था मैं यहाँ पर, और फाइनली मैं इससे बैटल शुरू करता हूँ एंड ये लॉन्डिया जो थी अपनी पावर शो कर रही थी मेरे को, तो उसने अपना पोकेमोन निकाला एक मिस्टर माइन एंड मैंने निकाला स्नॉर्लैक्स एंड इसके बाद मेरा स्नॉर्लैक्स ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया एंड एंड ऑफ द मर गया ये। एंड फिर आया अपना ब्लास्टोइज जिसने अपना डार्क पल्स के साथ इसको इसकी औकात दिखा दी एंड फिर इसका फर्स्ट पोकेमोन तो बीट हो गया एंड इसका नेक्स्ट पोकेमोन जो था वो था एक प्यारा सा स्लोब्रो जिसका भाई हमने अपना बैटल डांस का जलवा दिखाया एंड एक बैटल डांस के अंदर ख़त्म। एंड इसके बाद इसका नेक्स्ट पोकेमोन था जिंक्स जिसको भाई मेरे पिकाचू ने अपने थंडर बोल्ट एंड थंडर से ख़त्म करने की ट्राई की, बट लिटरली काफ़ी पावरफुल पोकेमोन होते हैं भाई फेरी टाइप पोकेमोन मानो ना मानो, बट फाइनली इसने मेरे पिकाचू को निपटा डाला अटैक का वर्ड क्योंकि, बट चार्जर्ड ने इसको असली औकात दिखा दिया एंड उसका लास्ट में आया उसका प्यारा पोकेमोन जो भाई ज़्यादा उछल कूद कर रहा था, हमने इसके ऊपर लीप सीट मारा बट इसने मेरे को अलग एग्जाम ने फिनिश कर दिया। बट उसके बाद मैंने ब्लास्ट चोइस ने अपने डार्क पल्स के साथ इसको अपनी औकात दिखा दिया एंड फिर इसका क्यूट फेस देखे मेरे को मज़ा आ गया, पूरा सेटिस्फेक्शन मिल गया पूरा जिम का हमको एंड उसके बाद हमें और पिकाचू ने मजे किए एंड फिर हमको माइंड क्लेम मिला एंड उसके बाद हम निकल पड़े दूसरे जिम की ओर। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, जिम लॉक था एंड लॉन्डा भी बैटल नहीं कर पा रहा था मेरा दोस्त गैरी, बट उसके बाद ये लॉन्डा मेरे को बोलता है भाई क्या करें अपन लोग, किसी से तो कुछ तो करना पड़ेगा ना बीडू, तो बोलते किसी के साथ बात बात करेंगे अपन, किसके साथ करें, तो मैंने बोला प्रोफेसर ओक के साथ ही बात करके देख लेते हैं पिकाचू और ओल्ड मैन से क्या ही होगा, तो हम पिकाचू नहीं हम प्रोफेसर ओक के साथ बात करने निकलते हैं एंड यहाँ पर ब्लू भी उनके साथ होता है जो कि आई डोंट नो क्या होता है उनका रिलेशनशिप में, पोता आई थिंक लगता है उसका जो कि हमको केस्टोन देता है एंड फिर ये बंदा हमको मेगा चार्जर एक्स मेगा चार्जर वाई विनोसोराइड एंड ब्लास्टोइस का मेगा स्टोन देता है जिसको लेके हम निकल रहे होते हैं बाहर। बट यहाँ पर मैं पिकाचू पता नहीं इसको गुलछड़े उड़ाते थे यहाँ पर फूल खिलाने आ जाता है, जब एक लड़की हमको मिलती है जो कि बताती है कि भाई साहब यहाँ का जिम जो था वो खुल चुका है, हम खुश हो जाते हैं बिकॉज हम हमारा 8 बैच जीत सकते हैं अपन का, तो हम जीत निकल जाते 8 बैच जीतने पिकाचू के इस स्काई डैश के साथ। एंड फाइनली यहाँ पर हम लोग आते हैं जिम के अंदर एंड लिटरली तब तक भाई मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था बिकॉज मैं 2-3 दिन से इस गेम को लगातार सुबह से शाम खेल ही रहा था एंड दिवाली की छुट्टी के अंदर जहाँ पर मैंने अपने विनोसॉर को मेगा इवॉल्व किया, ब्लास्ट उसको मेगा इवॉल्व किया एंड सारा फ्रस्ट्रेशन दूर कर दिया एंड आफ्टर डैट हमारे जीवानी के पास एंड ये लॉन्डा लिटरली बहुत ज़्यादा एटीट्यूड से बढ़ा है, तुम अभी देखना इसका एंट्री है ना भाई क्या ही लेजेंडरी है भाई साहब, कितना ज़्यादा स्कैरी है एंड ये बंदा कितना औसम है, तुम्हें यह एंट्री देख के पता चल गया होगा कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक स्कैरी बंदा है। बट बाय द वे उसके बाद जीवानी से हमारे बैटल शुरू हो जाते हैं एंड जीवानी लिटरली इस पोज के साथ जीवानी ने मेरा दिल जीत लिया भाई साहब, सच में भाई किंग वाली पोज थी इसकी, देखिए भाई क्या ही एटीट्यूड थी। बट इसका पोकेमोन जो होता है उसका मेगा ब्लास्ट यूज़ करते हैं एंड फिर एक्चुअली तो मारते ही लौंडा, बट क्या था भाई ब्लास्ट ऑफ दिस को मरना ही पड़ता है बिकॉज अपन के हाथ से बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है बिड़ू। एंड फिर इसका नेक्स्ट पोकेमोन आता है नीडो किंग एंड या ये भी पता नहीं कहाँ से अर्थक्वेक मारता है मेरे ब्लास्टी के ऊपर एंड फाइनली मैं इसको एक तरफ से कल्याण कर देता हूँ उसका एंड आफ्टर ऑल उसके बाद इसका नीडो फिर से क्या पता है नीडो फीडो लाता है ये पोकेमोन का नाम कैसे भूल सकता हूँ मैं, राइकॉन हाँ राइकॉन आता है एंड जो मेरे ब्लास्टी को ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता पास पर उससे हम पोकेमोन बदलते हैं एंड फिर हम आइस बीम के साथ इसको फिनिश आउट नहीं कर पाते भाई साहब, ये क्या कौन सा लेजेंडरी बनेगा भाई, ब्लास्ट तो वन शॉट कर रहा है तू नहीं कर पा रही है एंड खुद मर गई बेचारी। फिर अपन क्या करते हैं वापस से लाते अपना विनोसोराइड को बिकॉज इसकी मतलब इस जिम में ना अपने पास पूरा के पूरी एडवांटेज थी, बहुत सारे पोकेमोन था अपने पास, अपना विनोसोर बहुत अच्छी से परफॉर्म कर रहा था एंड इसका लास्ट पोकेमोन को तो निपटा डाला। आफ्टर ऑल उसके बाद अपन लोग जीत चुके थे जीवानी से एंड जीवानी हमसे हार के भाई साहब अपने मानसुलिक संतुलन को खो चुका था एंड इसने सोचा कि मैं डिफीट हो चुका हूँ तुम जीत चुके हो एंड मैं पिकाचू जब हंसी मजाक कर रहे होते तब ये बंदा मेरे को अर्थ बैच देता है अर्थ क्विक देता है एंड फिर ये लौंडा बोलता है भाई मैं और टीम रोकर नहीं चला सकता, तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो, अब मैं तुम्हारे हाथों ये जिम शॉप के निकल रहा हूँ रिटायर्ड हो रहा हूँ, मुझे नहीं चलाना टीम रोकर क्योंकि इज्जत ही नहीं बच्चा हरा के जा रहा साला तो इसके लिए ये बंदा बंद कर देता है। बट हम बाहर आते ही भाई ब्लू आ जाता है, मतलब ही नहीं इसने केस चुन दिया था, तो उसके बाद बंदा बोलता है प्लीज़ मेरे को जिम दे दे मैं इसको जिम डोनेट कर देता हूँ एंड उसके बाद ये निकल जाता है जिम में। बट यहाँ पर मेरा दोस्त आता है गैरी एंड मुझसे आके
तो चल भाई चलते हैं अपन लोग भी पोकेमोन लीग को हराने बैटल रोड के साथ। तो हम लोग चलते थे बैटल रोड के अंदर जहाँ पर होता है भाई बहुत ही मज़ेदार, बिकॉज इसका जो साउंड है ना भाई बहुत मज़ा आता है, दिल सुकून हो जाता है अगर तुम हेडफोन लगा के सुनो। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ के जो हर किसी को प्रूफ देना पड़ता है हाँ मैंने ये जिम जीता है, लेकिन देख ले भाई। एंड उसके बाद अपन एक पोकेमोन को कैच करते हैं, एंड उसके बाद हमको एक नीडो रैन भी मिलता है जिसका इवोल्यूशन रुकता है। एंड फिर हम लोग इस बंदे को प्रूफ देते हैं हाँ मेरे पास है अर्थ बैज, ले मुँह में चिपका अर्थ बैज। एंड उसके बाद हम निकलते केव के अंदर। भाई कितने केव है इस गेम के अंदर। फिर अपन को मिलता है एक प्यार सा मचैम्प जिसको हम करते कैच। एंड फिर अपन को मिलता है राइहोन जिसको हम करते हैं कैच बिकॉज करना है पोकेट इज कम्प्लीट। एंड फिर हमको मिलता है यहाँ से मोल्टिव जिसको देखने के बाद हमें खुशी का ठिकाना नहीं था। एंड आफ्टर दैट लेजेंडरी मोल्ट्रेस हमारे साथ शुरू करते हैं अपना बैटल। एंड भाई ये पोकेमोन मस्त था, बट इसको हराने के लिए अपने पास अभी इतने सारे पोकेमोन थे कि अपन को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है ना बीरू। फिर हमने मेगा ब्लास्टो इसको बुलाया, एंड मेगा ब्लास्टो इसके मेगा पावर के साथ इसको बिल्कुल सर्व से घसीट घसीट का मतलब हाँ डिटर्जेंट लगा लगा के धोया। बट इसका स्काईडश अटैक मस्त था भाई, मेरे को पसंद आ गया, इतना डैमेज दे रहा था ये लौंडा। बट फाइनली मैंने इसको अपने सर्व से घसीट घसीट के धोया डिटर्जेंट के साथ, रगड़ रगड़ के धोया। फिर हमने इसको अपने अल्ट्रा बॉल में करीब काफ़ी टाइम लगा इसको कैच करने में, बट लास्ट जॉब जी मैंने इसको 2-3 मिनट के अंदर कैच कर लिया जहाँ पर मैं मतलब 30 करीब अल्ट्रा बॉल जा चुके थे इस लॉन्डे के ऊपर। और फाइनली मैंने इसको कैच कर लिया यहाँ पर। एंड उसके बाद मज़े ही मज़े थे अपने बिल्कुल। तो या हमने इसको बैग के अंदर रखा एंड अपन निकल गया नेक्स्ट बैटल रोड के एंड में। एंड उसके बाद भाई साहब यहाँ पर था अपना पोकेमोन लीग का मैदान। देखो तुम ये जगह काफ़ी मस्त है। एंड उसके बाद मेरा पिकाचू जो होता है वो प्यारा सा मेरे कंधे से उतर के पोकेमोन लीग के मैदान को देखने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो बिल्डिंग काफ़ी कूल दिख रही होती है, एंड मैं बोलता हूँ लेट्स गो पार्टनर। एंड पिकाचू फिर हंसता है मेरे कंधे पे आता है, एंड ये लेजेंडरी पोज है हम दोनों का। एंड फिर हम लोग निकल देते हैं अपने लेजेंडरी आर्टिकुनो को अपने पीछे लेके, लेजेंडरी अवतार लेके, लेजेंडरी कितना लेजेंडरी बोलूँगा मैं। तो हम निकलते हैं पोकेमोन लीग के, और जहाँ पर जाने के बाद अपन लोग अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं, नॉर्मल टी शर्ट वीशर्ट सब लगा लेते हैं। फिर हम लोग पोकेमोन को हील करते हैं। तुम मेरा टीम देख सकते हो कौन से टीम के साथ मैं जाने वाला हूँ इस बार पोकेमोन लीग को बीट करने। एंड फिर उसके बाद हम कुछ काफ़ी कुछ मतलब खरीदारी भी करते हैं बिकॉज यहाँ पर हीलिंग का कुछ नहीं होने वाला, तो हमको सब कुछ खरीदना पड़ेगा जहाँ पर मेरे बहुत ज़्यादा पैसे लॉस होते हैं। मैं अपना निकट विकट जो भी मेरे पास होते हैं सब मैं बेच देता हूँ, सब कुछ बेच बाज के कंगाल हो जाता हूँ। फिर निकलता मैं पोकेमोन लीग के लिए। जब पहली जिम ले तो वही थी जिसने मेरे को पहले बचाया था, एंड इसका मतलब हाँ पोकेमोन लीग का मेंबर। एंड इसका लैप्रेस का आँख देखना भाई, पूरा मेरे ऊपर टिके इसका लैप्रेस का आँख, बहुत मस्त है भाई, मुझे को मज़ा आता है इसका लैप्रेस। लैप्रेस इसका एट्रैक्टिव है, दोनों एट्रैक्टिव है, बहुत खास लगता है ये दोनों। एंड स्टार्टिंग में ये दोनों भाई दिखने में काफ़ी कूल लगते हैं, इसका लैप्रेस तो कहीं मज़ेदार लगता है। एंड उसके बाद इसका डिगोंग निकलता है फर्स्ट में, बट मैं भूल जाता हूँ कि डिगोंग वाटर टाइप का भी होता है। एंड इसके खातिर हम मेगा जेसर वाई करते हैं गलती से भूल के, एंड उसका फायर ब्लास्ट करते हैं। एंड ये मेरी सबसे बड़ी गलती होती है इस मैच के अंदर। एंड देखो फिर फायर ब्लास्ट का तो भाई अपन का लुल्ला लुच्छा हो चुका था, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन एक शॉट में खत्म होना चाहिए था। बट उसका अटैक का भाई हमारे ऊपर बहुत गंदा पड़ा था सर, वैसे वाटर टाइप भी था। फिर हम लोग समझ गए कि अपनी औकात नहीं है भाई फिलहाल, चाइजार्ड को बदलते हैं। हमने स्नॉलेस को लाया, बट स्नॉलेस को लाने के बाद हमने चाइजार्ड को ऐसे हील भी कर लिया था ठीक है, बट उसी हीलिंग के चक्कर में अपना स्नॉलेस का हो जाता है यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से कल्याण। देखो तुम स्नॉलेस का बहुत ज़्यादा डैमेज खा देता है चाइजार्ड को हील करने के चक्कर में। एंड फाइनली स्नॉलेक्स पहले पोकेमोन को तो इसको बीट कर देता है। एंड उसके बाद उसका सेकंड पोकेमोन आता है जिंक्स, एंड जिंक्स को भी भाई अच्छी तरह से टक्कर दे रहा होता है। बट एक पोकेमोन कितना ही संभाल सकता होगा, बट फाइनली एंड तक ये मरता है। बट भाई बहुत अच्छा परफॉर्म करके मरता है अपना स्नॉलेक्स। एंड फिर अपन बुलाते अपने पैर से पिंकाचू को जो कि भाई आता है। एंड भाई इन बंदों का ना मतलब फेरी टाइप पोकेमोन का भाई स्लीप जो अटैक करवा देना बहुत गुस्सा आता है मेरे को, ये पता है स्लीप क्लिक करके पता है स्लीप में पड़ा आता है अपने पोकेमोन को जो कि बहुत गुस्सा आता है। एंड उसके बाद उसका क्लोज चार्ज आता है, उसके बाद मैं इसको भी वन शॉट निपटा डालता हूँ। एंड फिर उसका आता है लैप्लेस जिसको मैं वन शॉट निपटाने का ट्राई करता हूँ, बट भाई बंदा पावरफुल होता है। बट उसका हाइड्रो पंप मेरे पिकाचू को लगता है, फिर पिकाचू उसको भी ख़त्म कर डालता है। एंड उसके बाद आता है उसका स्लो ग्रोथ जिसको हम लोग ख़त्म करते हैं अपने प्यार से विनोसोराइड से मतलब विनासोर से ठीक है। एंड आई डोंट नो व्हाई ये वन शॉट ख़त्म क्यों हुआ भाई, कोई बताएगा। बट जो भी हो एंड ऑफ द डे हमको जीतना था ये बैटल, हम लोग जीत जाते हैं यहाँ से। एंड ये लॉन्डे हार जाते हैं यहाँ से इलाइट बोर्ड के फर्स्ट मेंबर, एंड इसका नाम मेरे को नहीं पता लेरिया कुछ ऐसी थी इसका नाम। तो उसके बाद हम निकलते हैं सेकेंड इलाइट फोर के मेंबर के पास जो कि होता है ब्रूनो। एंड ब्रूनो भाई साहब लुकिंग इसकी काफ़ी ओपी लग रही है, बॉडी बिल्डर है काफ़ी मस्त लग रहा है भाई। एंड ये लॉन्डा इलाइट फोर का सेकेंड मेंबर है एंड काफ़ी क्यूट लग रहा, क्यूट नहीं डराना लग रहा है। एंड फिर बैठता है हमसे शुरू करता है बैटल। एंड यहाँ पर उस मैं स्टार्टिंग में गलती करता हूँ, मैं चाइजार्ड को फर्स्ट रखता हूँ, तो मेरे को स्विच करना पड़ता है अपने पोकेमोन विनोसोर में। एंड उसी बीच ये पता नहीं क्या गिरा देता है पत्थर, जिसके खातिर भाई अपन को इतना बड़ा या सा नुकसान हुआ ना तुम देखना बस।
इसके खातिर इतना बड़ा नुकसान हुआ ना इस पत्थर के खातिर। जब मेरा पोकेमॉन फर्स्ट टाइम आता है फिर क्या होता है उसका अपने आप एचपी कमना शुरू हो जाता है। तो हमने स्नॉलेक्स की वजह सोचा कि भाई इसका शेडो बॉल कुछ काम करेगा, बट इतना ज़्यादा काम नहीं करता। एंड ऑफ दी टाइम स्नॉलेक्स को मात खाना पड़ता है। बट आफ्टर ऑल मेरा आर्टिकुनो आता है, इसको आते आते एचपी ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। फिर आर्टिकुनो से फ्लाई करा के इसको मारता तो वो फिर चार्जर आता है, या चार्जर आते इसका बहुत ज़्यादा एचपी माइनस हो जाता है ऑटोमेटिकली। एंड फिर भाई क्या था, चार्जर मारता है इसको अटैक, बट ऑलरेडी आधा एचपी तो माइनस हो चुका था, तो चार्जर भी मर जाता है यहाँ से। फिर आर्टिकुनो आते तो ऑटोमेटिकली मर जाता है बिकॉज वो पत्थर जो नीचे खड़ा हुआ था ना, दुख दर्द पीड़ा किसे कहते हैं आज मुझे समझ आया। फिर हमने इसके पोकेमॉन को मारा एंड इसका लास्ट पोकेमॉन था, एंड इसको भी बल्बिनासोर ने ख़त्म किया। फाइनली हम दोनों के अगेंस्ट भी जीत चुके थे, दो इजीली तरीके से हमने हराते थे। फिर नेक्स्ट जोर खुला एंड हम नेक्स्ट जोर के ऊपर चले गए। फिर यहाँ पर क्या था भाई, अपन लोग आए गौथरा के पास, आई थिंक इसका नाम यही है, अगाथा के पास आए, जो कि थी एक पॉइजन टाइप की इलाइट फोर, जो कि इलाइट फोर थ्री में आती है आई थिंक, हाँ थ्री में है ये लॉन्डिया। तो इसके बाद भाई देखो अगाथा का फर्स्ट पोकेमॉन था एक प्यारा सा ने खतरनाक थे पोकेमॉन। मैं हेट करता हूँ आर्मोक को भाई, बहुत पावरफुल होते हैं आर्मोक। मैं पिकाचू को फिनिश कर डाला, फिर मेरे लास्ट ऑफ दी मुझे अपने इस पोकेमॉन को बुलाना पड़ा इसको मारने के लिए लेजेंडरी को। फिर इसका वीजिंग आया जिसको भी मेरे आर्टिकुनो ने निपटा डाला। एंड फिर इसका आया प्यारा सा पोकेमॉन गेंगार, जिसको मैंने भेजा भाई शैडो बॉल के साथ अपने प्यार से उसके साथ, क्या जो नाम है स्नॉर्लैक्स के साथ, लेकिन स्नॉर्लैक्स मात खा लिया। एंड फिर हमने भेजा अपने ब्लास्ट को इसको, जिसने हमने डार्क पल्स, अबे कर बे डार्क पल्स क्या कर रहा है, इसके आत्मा वाली अटैक क्यों खा रहा है तू डार्क, हाँ अब सही है। एंड उसके बाद उसका दूसरा गेंगार आया जिसको भी हमने डार्क पल्स से निपटाने की कोशिश की, बट भाई साहब पता नहीं एक गेंगार का स्लड बॉम्ब इतना पावरफुल क्यों होता है, कोई बताएगा मेरे को, इतना डैमेज कैसे खा लेता है भाई तू, मैं का गेंगार होता तो ऐसे ही मर जाता मैं तो। एंड फाइनली उसके लास्ट पोकेमॉन को मैं बीट करके यहाँ से अगाथा के साथ भी जीत जाता हूँ, जो कि मेरे को 1000 पोके डॉलर दे, 10000 पोके डॉलर हाँ भेजने निकल रहा अगाथा। एंड उसके बाद इसके दांत तो देखो भाई तुम। एंड फिर हम निकल जाते लास्ट के, मतलब हाँ इसका नाम था लियोन, क्या था इसका नाम, लियोन नहीं था, लैंस था, लैंस जिसका भाई ड्रैगनाइट काफ़ी ऑसम होता है। एंड ड्रैगनाइट भी अपने रार के साथ अपनी बैटल को शुरू करने की अनुमति देता है एंड बोलता है रेडी फॉर लॉस, भाई कौन हारने वाला है बैटल से पहले कैसे डिसाइड होगा मेरे भाई। तो मेरे भाई यहाँ से पोकेमॉन फर्स्ट फेंकते हैं एक सी राज, जिसको मैं ख़त्म करता हूँ वन शॉट के साथ। इसको पता चल जाता है कुछ तो गड़बड़ है भाई। इसका सेकंड पोकेमॉन होता है एरोडैक्टाइल, जिसको मैं मेगा ब्लास्टोइज करके एक ही सर्प के साथ पहुँचा देता हूँ उसके ससुराल। एंड आफ्टर दैट उसका थर्ड पोकेमॉन आता है उसका प्यारा सा गेराडोस, जिसको भी मैं भाई मैं एक थंडर के अंदर ही पहुँचा देता हूँ इसको भी अपने ससुराल। बट मैथ मैथ ट्विस्ट तो अब भी आया है भाई इसका, जब ड्रैगन मतलब चार्जर तो आया ठीक है, चार्जर चलो ठीक है सब से तो मर जाएगा इसीलिए, पर चार्जर को ड्रैगन ने जो अच्छा इफेक्ट कर रहा था मेरे को, चलो इसको भी हम लोग बीट कर लेंगे सर्फ के साथ। बट उसके बाद उसका ड्रैगन एड जब आया भाई साहब, पता नहीं मेरे इस आर्टिकुनो ब्लिज़र्ड यूज़ ही नहीं किस कमी नहीं आर्टिकुनो भाई, मेरी एक नंबर की मिस कर दी ब्लिज़र्ड। फिर मैं आईजे मारने की ट्राई की, बट उससे पहले मेरा आर्टिकुनो निपटा दिया गया। फिर आया मेरा चार्जर, मतलब सारे पोकेमॉन को इसने वन शॉट निपटाया मेरे सारे पोकेमॉन को, क्या बताओ इतना पावरफुल कैसे है ये ड्रैगनाइट। एंड लास्ट ऑफ दी मैंने अपने पोकेमॉन को हील करवा के बहुत कुछ लफड़ा करवा के इसको हराया, मैंने बता रहा हूँ इतना पावरफुल था ना इसका ड्रैगनाइट। एंड लास्ट ऑफ दी मैच हम जीत जाते हैं। वैसे जो भी हो ये बंदा हारता है, मेरे को बोलते हैं तुम चैंपियन हो चुके हो, बट यहाँ पर प्रोफेसर लोग पीछे से आते हैं अपना कदम लेके, एंड यहाँ पर बोलते हैं और एक लौंडा है जिसको तुम्हें हराना पड़ेगा चैंपियन बनने के लिए। फिर क्या करते हैं भाई ये लोग हमें दे देते जगह। एंड ड्रैगनाइट का जो हंसी वाला सीन था मेरे को बहुत पसंद आया भाई। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं अपने दोस्त के साथ बैटल करने, जो कि भाई लेजेंडरी तरीके से पोकेमॉन को उल्टा मतलब क्या करता नहीं कर जाता उछाल जाता। फिर भाई हमारे दोनों का बैटल यहाँ से हो जाता है शुरू, हैंड हील लौंडा लिटरली काफ़ी ऑसम दिख रहा होता है, फुल कॉन्फिडेंट, बट जीतने वाले तो हम ही थे ना, क्योंकि मुकद्दर का सिकंदर तो भाई मतलब दाने दाने पे लिखा होता है एलेक्स का नाम, एंड मुकद्दर का सिकंदर हम ही है। तो उसका फर्स्ट पोकेमॉन होता है मेगा पिडियोर, जो कि भाई बहुत पावरफुल होता है। मैंने सोचा था वन शॉट से इतना निपटा दूंगा, बट फेल यार, कैसे थॉट रखता हूँ मैं। बट पिकाचू उसका अटैक मिस कर देता है, एंड फिर जब मैं अटैक करता तो भी लौंडा पोकेमॉन बदलता है। एंड देखो शादी से मेरे वक्त को भेजता है साले, इतना दिमाग लाता गया से तू सबसे पहले ये बता मेरे को, तो मैं भी अपना पोकेमॉन चेंज करता हूँ। एंड मेरे वक्त लिटरली भाई इतना खतरनाक टाइम दे कैसे रहा है मेरा वैक, मैं कंफ्यूज होता हूँ। फिर हम इसको एक सर्व करवाते हैं, बट मेरा वर्क उधर से भी खत्म नहीं होता, इसके पोकेमॉन इतने पावरफुल कैसे कोई बताएगा मेरे को। बट फाइनली उसका मेरा वर्क मेरे पोकेमॉन को दो क्रिटिकल हिट के साथ पहुँचा देता है यमलोक। एंड फिर हम इसके मेरा वर्क को पहुँचा देते हैं यमलोक। फिर उसका पोकेमॉन आता है रैपिडैश, जिसको भाई हम लोग हरा सकते, बट अपन ने क्या किया अपना मैक्स रिवाइव का यूज़ करके अपने उसको हील किया, अब ब्लास्ट इसको एंड ब्लास्ट अपना वो कुत्ते की तरह मारा गया, उसका नाम क्या था, हाँ स्नॉर्लैक्स। फिर पता नहीं उसके मैंने इसका एक पोकेमॉन फिनिश कर देता है। उसका सेकंड पोकेमॉन आता है भाई खतरनाक पोकेमॉन, जब मैं अपने चार्जर्ड को मेगा चार्जर्ड एक्स में इवॉल्व करके मतलब मेगा चार्जर्ड वाई में इवॉल्व करके फायर ब्लास्ट करवाता हूँ, जिसके उसका वाइल्ड प्लूम का तो बच चुका था अच्छी तरीके से।
बट फाइनली उसके बाद में एक और फायर ब्लास्ट करने चुका होता हूँ, मतलब बट वो पोगन बदल देता है, मतलब इतना कमीना की वे तो हर कितना पोगन बदलेगा, बट फाइनली उसके बाद इसका स्लो ब्रो के वो फिर से वो देखो एक कन्फ्यूजन मारता है एंड लौंडा इतना ज़्यादा कूद रहा है ना, फिर से पोगन बदलता है भाई एंड फिर पिजियोट लगाता है एंड पता है मैं चेंज नहीं कर सकता मूव, ये मूव तुम चेंज नहीं कर सकते, बट फाइनली मैं अपने पिजियोट के मतलब अपने हाँ लेजेंडरी के साथ हराता हूँ। इसके दो पोगन यहाँ से बीट हो चुके थे ऑलरेडी, मतलब हाँ अब सिर्फ उसके दो पोगन बाकी थे, बट ये अपने इस भद्दी से पोगन को वापस से ये पता नहीं रिवाइव करता है, बहुत फुल एचपी करता है इसका, बट इसको हम बीट करते हैं। इसका लास्ट पोगन तो वैसे ही लल्ला लुच्चा था, पैर टूटा था, तो हमने इसको बीट कर दिया। फाइनली बन चुके थे हम यहाँ का चैंपियन, बंदा खुश तो था लेकिन इसके आंखों में आंसू भी थे बिकॉज वो हार चुका था, बट अपने दोस्त के लिए लौंडा खुश था, हम जीत चुके थे लेकिन ये ट्राई करना नहीं कभी हारने वाला। बट प्रोफेसर लोग उसके बाद मुझे ले गए अपने साथ भाई स्वर्ग का द्वार तक एंड फिर अपने पोकेमोन को यहाँ से हील करवाया, यानी मेरी टीम है जिसके साथ मैंने पोकेमोन लीग जीता है एंड यहाँ से हो जाता है हम चैंपियन। हमने जिम लीडर्स को हरा दिया, यहाँ से हम बन चुके हैं यहाँ पर चैंपियन, बट अभी काफ़ी और सारे टास्क बाकी है जिनको हमें कंप्लीट करना है, तो भाई साहब ज़्यादा तो खुश होने की ज़रूरत नहीं बिकॉज अभी लगने वाला जिंदगी का असली एल। तो भाई साहब उसके बाद लेवल 45 से मैं जीतता हूँ, ठीक है यहाँ से लेवल 45 से जीतता हूँ पोकेमॉन्स को लेकर, ऑलमोस्ट सबके 45 के आसपास ही घूम रहे हैं, बट अभी देखो। उसके बाद मैं फाइनली अपने मेन टाउन में आता हूँ, अपने हाँ पैलेट टाउन के अंदर एंड उसके बाद अपन लोग घूम रहे होते दूसरे पोन को कैच करने, बट उसी बीच अपन लोग जाते ज़ैप्डोस को कैच करने एंड अब ज़ैप्डोस भाई उसके साथ मैं दो तीन और पोकेमॉन को कैच करता हूँ, इलेक्ट्रिक टाइप जाकर जितने भी पोकेमॉन होते हैं सबको कैच करता हूँ एंड उसके बाद मेरे को मिलता है ज़ैप्डोस या तो फाइनली उसके बाद मैं करता हूँ या को ज़ैप्डोस को जैसा आर्टिकुलो से बैटल एंड आर्टिकुलो ब्लिज़र्ड के साथ काफ़ी अच्छा लड़ रहा था, बट फाइनली ज़ैप्डोस काफ़ी पावरफुल होता है एंड यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम अपने चार्जर को मेगा चार्जर एक्स में इवॉल्व करवाया एंड इसका अटैक तो भाई चार्जर के ऊपर लग ही नहीं रहा था बिकॉज ड्रैगन टाइप के ऊपर थोड़ी लगता है भाई, ड्रैगन फायर टाइप पोकेमॉन है, बट फाइनली मैंने इसको हरा दिया उसके ज़ैप्डोस को मतलब हाँ वाइल्ड ज़ैप्डोस को एंड फिर 50 पोकेबॉल लगाए इस कमीने ने आने में, लिटरली 50 पोकेबॉल इतना करना खड़ा है इसके एंड फाइनली ये वाला लौंडा आ गया मेरे पोकेबॉल के अंदर मतलब अल्ट्रा बॉल के अंदर एंड फिर अपन निकल पड़े दुनिया के और पोकेमॉन्स को कैच करने जो कि था म्यूटू एंड म्यूटू के पास में डायरेक्टली आके एंड यहाँ पर लौंडा हमारे हर पोकेमॉन को भाई वन शॉटली पता नहीं कैसे बीट कर पा रहा था, इतना ताकत आता कहाँ से, इनमें कौन सा काजू खाते हो। फिर अपन लोग आए चैंसी को कैच करें, एक एक चैंसी से मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा था, तुम यहाँ से देखना तीन देखो एक आठ मतलब 800 एक्सपीरियंस मिल रहा था, तो ऐसे करके मैंने अपने पोकेमॉन को इवॉल्व लेवल अप करवाया जो कि 64 लेवल के आ चुके थे एंड फिर मैंने म्यूटू के साथ वापस से बैटल करना चला गया। मैंने म्यूटू को दिखाने की कोशिश की अब तेरी औकात कुछ नहीं है मेरे सामने म्यूटू, बट म्यूटो तो ठहरा म्यूटो भाई, इतने भी इस पर कुत्ते की मौत मार के मेरे को भगा दिया वापस से। फिर मैं यहाँ पर दूसरे सिटी में आ गया जो कि ब्लेन का टाउन था, ठीक है ब्लेन लास्ट मतलब हाँ लास्ट जिम लीडर से पहले का, तो यहाँ पर आने के बाद मैंने ग्राइमर को स्विच मतलब हाँ यहाँ से हमने स्विच किया, उसके ग्राइमर मैंने लिया मेरे घर में उसने लिया एंड उसका था अलोलन ग्राइमर, अब वो था डार्क टाइप का एंड ये तुम समझ चुके हो क्या करने वाला हूँ मैं। फिर मैंने आर्टिकल को हटा के इसको अपने टीम में घुसाया एंड इसको फाइनली मैंने लेवल करवा के इवॉल्व कर रहे थे चैंसी को पकड़ के एक्सपीरियंस ले लेके। फिर हम निकल पाए मीटर के पास एंड अभी मीटर के लगने वाली असल में एल, देखो अब तुम जस्ट मीटर भाई अपने फ्लैक्स मार मार के अपना रुतबा कुछ पता नहीं क्या क्या दिखा रहा था वो बंदा। फिर अपन निकाल गए अपने पोकेमॉन को डार्क टाइप एंड इस बार ये अपना साइकिक अटैक नहीं कर सकता, तो पहले हमने इसके ऊपर टॉक्सिक फेंका एंड फिर मैंने इसको मतलब और कमज़ोर करने के लिए मतलब हाँ एक अटैक में इसको हमको मारना है ना, तो हमने स्क्रीच यूज़ किया ताकि इसका जो एच पी है ना वो कम ऑटोमेटिकली बहुत घटता जाए, वरना ये रिकवर करके अपने एच पी को बहुत घटा लेगा, मतलब एक अटैक इसका बहुत एच पी घटा है एंड फिर देखो हमने इसके अटैक करना चाहा बट इसने अब एक स्वाइप लगा के मेरे पोकेमॉन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी एंड आफ्टर दैट मैंने अपने पोकेमॉन को हील भी किया बहुत टाइम तक हील किया, बट ये लौंडा तो पावरफुल था ही भाई साहब। म्यूटो का भाई फ्लैक्स ही कुछ अलग लेवल का होता है, मैंने हाइपर पोशन यूज़ करता गया भाई क्या ही करूँ मैं, हाइपर पोशन यूज़ करना ही पड़ेगा ना अपन को, बट आफ्टर दैट म्यूटो मेरे पोकेमॉन को ख़त्म करता है एंड उसके बाद क्या था वो खुद भी मर जाता है पोइजन के थ्रू एंड फिर क्या टाइम था म्यूटो को कैच करने का, बट कुछ एवे पेवे पोकेबॉल से म्यूटो को कैच तो नहीं कर सकते, हमने मास्टर बॉल को यूज़ किया एंड फाइनली यहाँ से हमने म्यूटो को कैच किया एंड उसी बीच मैंने बहुत और पोकेमॉन को कैच किए थे जैसे गोल्डक नीडर एंड बहुत कुछ पोकेमॉन को कैच किए थे, बट वो मैं तुम्हें शो नहीं करवाया फिलहाल, ठीक है बिकॉज उसका रीज़न मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा। तो फाइनली मैंने म्यूटो को सारे रेयर कैंडी भी अपना खिला दी जिसके बाद म्यूटो लेवल 78 का बन चुका था एंड फाइनली म्यूटो मेरी टीम का सबसे पावरफुल पोकेमॉन था जिसके बाद मैंने उसको सारे जेम भी खिला दिए जितने मेरे पास थे, बट बाहर आने के बाद मेरे को पता चलता है कि और एक लौंडिया है जो कि यहाँ पर गई थी अंदर एंड
तो मैं उसको यहाँ पर ढूंढने आ जाता हूँ, बट यहाँ पर मेरे को मिलती है एक प्यारी सी ग्रीन जो कि भाई मेरे साथ बैटल शुरू कर देती है। एंड ये लॉन्डी के पास भाई काफ़ी अच्छे खासे फेरी टाइप पोकेमोन थे, बट मैंने इसको औकात दिखा दी कि मेरे पास भी पोइजन टाइप अटैक है, फिलहाल मैं तेरे को बीट कर सकता हूँ। तो उसके हर एक पोकेमोन भाई काफ़ी पावरफुल थे, तुम देख सकते हो भाई इसके हर एक पोकेमोन मतलब भाई क्या ही पावरफुल थे। देखो इसका नाइन टेल्स दो हाइड्रो पंप से मरा लिटरली, एंड बाकी सारे पोकेमोन तो भाई मेरे मेगा मतलब म्यूटो के हाथों ही मर गए। म्यूटो ने इतना गंदा पीटा ना इसके पोकेमोन को। एंड लास्ट ऑफ द मेरे मेगा ब्लास्ट तो इसमें इसका मेगा ब्लास्ट चॉइस था जिसको मैंने मेगा विनसवर ने हरा दिया। एंड फिर ये लॉन्डिया हार मान गई एंड उसके बाद बोली तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो बट ये रॉन्ग है। बट उसके बाद इसने मेगा म्यूटो वाई एंड मेगा म्यूटो एक्स दिया जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था। एंड आफ्टर ऑल उसके बाद गाइस हम लोग निकल लिए अपने फोसल को प्योरीफाई कराने, जहाँ पर मैंने अपने पहले फोसल को प्योरीफाई करवाया। एंड उसके बाद मेरे को ओल्ड डेमर मिल चुका था, तो मैंने म्यूटो के उस केव से तो मैंने फिर से अपने ओल्ड डेमर को इसके हाथों दिया एंड इसने ओल्ड डेमर से मेरे को एक एयर टैक्टाइल निकाल के दिया। एंड आफ्टर डैट हम लोग और पोकेमोन को कैच करने आए थे, बट यहाँ पर मेरे को मिल चुका था टीम रॉकेट जिसको भाई मैंने कार्ड डाला। एंड उसके बाद मेरे को उनका सूट मिला ब्लास्ट सूट, एंड फिर मैंने टीम लोकर का ड्रेस पहन लिया, मैंने पिका चुने एंड फिर निकल पड़े हैं मैंने सारे जिम लीडर को वापस हराने। ए टू जैसे सारे जिम लीडर को वापस हमने कुत्ते की तरह मारा बिकॉज अपने पास अभी था म्यूटो एंड बहुत इजी तरीके से हर कोई वन शॉट मर रहा था। एंड उसके बाद हमने पोकेमोन लीग को भी वापस से खेला एंड पोकेमोन लीग को दोबारा हराया एंड हम बच गए दोबारा चैंपियन हाँ टू टाइम्स। एंड फिर हमने टटिनू को ड्रैगन एयर को एंड फिर हमने यहाँ पर उड़ते हुए ड्रैगन आइट को भी कैच किया एंड फाइनली मेरा एक सूडो लैंडरी पोकेमोन कैच हो चुका था। एंड भाई इसके ऊपर चलना तो भाई बहुत मस्त है। फिर यहाँ पर काफ़ी देर वेट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक नीडो किंग को भी काउंटर कर लिया था एंड इसके बाद मेरे को कुछ देर के बाद नीडो क्वीन भी मिल गया। एंड इन दोनों को कैच करने में लेटे मेरे को एक से आधा घंटा का मतलब टाइम लगा। फिर मैंने सिक्स मास्टर ट्रेनर को हराया एंड यहाँ पर मेरे को रेड भी मिल चुका था फाइनली, जिसके बाद एक बैटल तो मैं इसके साथ हारा था बट उसके बाद मैं वापस से आता हूँ रेड के पास एंड फिर दूसरा बैटल मैं इसके साथ शुरू कर देता हूँ। एंड सेकंड बैटल में मैंने इसकी पूरी टीम को डिटेक्ट कर लिया था एंड इसकी पूरी स्ट्रैटेजी मैंने बना ली थी इसको हराने की, मतलब भाई इस बार तुम्हारा भाई पूरा ब्रेन से रहेगा ठीक है रेड के साथ। तो पहले हमने क्या किया यहाँ से अपने म्यूटो के साथ इसके पिकाचू को वन शॉट किया मेगा म्यूटो वाई के साथ एंड उसके बाद हमने अपने पोकेमोन को स्विच करने के बारे में नहीं सोचा एंड यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसके बाद मुझे इसका भुगतान मेरे को स्नॉल मतलब हाँ मैंने एक पोकेमोन को मार के करना पड़ता है जो कि मेरा विनसोर होता है। तो उसमें किसी और पोकेमोन को मरवाऊंगा तो मैं बहुत बड़े डिसएडवांटेज में आ जाऊंगा, बट मैं विनसोर जो भी है थोड़ा तो टिक पाएगा इस सोच के मैंने डाला था बट वो भी मर गया। फिर हमने अपना स्नॉरलैक्स को भेजा, जिसके बाद भेजने के बाद मैंने इसका टॉक्सिक को यूज़ किया इसके लैपटॉप के ऊपर जो कि भाई इतना ज़्यादा काम का था। तुम देखो जस्ट क्या होता है कि इसके बाद मैं इसका सुपर पावर अटैक करवाता हूँ जिसके बाद इसके बाद बहुत इफ्यूल होता है। एंड फिर हमन का क्या करना था, अपन सिर्फ एक प्रोटेक्ट यूज़ करते हैं एंड उसके थ्रू हम इसको बीट करते हैं इसको लैपटॉप को। अब भाई बिल्कुल हमारे पास ईजी था उसको दूसरे पोकेमोन को हराना बिकॉज उसके पास फायर टाइप कुछ पोकेमोन होने वाला है, बाकी तो भाई मचाम था उसका एक। तो मचाम जब यहाँ पर आया था तो मैंने सोचा था भाई मैं इसको शैडो बॉल से हराऊंगा, बट शैडो बॉल इतना इफेक्टिव नहीं था जिसके खातिर मेरी बच चुकी थी अच्छी खासी बच चुकी थी। फिर मैंने क्या किया रिकवर यूज़ किया बट मैंने सोचा यहाँ पर फुल एचपी रिस्टोर करेंगे ठीक है कुछ एक अच्छा दिमाग लगा के। एंड ये चीज़ भाई बहुत अच्छी चीज़ थी जब मैंने यहाँ पर किया था, वरना मैं पूरा मैच हार जाता। तुम देखना जस्ट पूरे मैच में अगर ये रिकवर मैं नहीं करता ना मैं पूरा मैच हार जाता लिटरली। तो ये रिकवर करने के बाद फाइनली देखो मचाम को मैं उसके बाद एक साइकिक से बीट करता हूँ। एंड आफ्टर ऑल उसके बाद गाइस हम लोग क्या करते हैं, उसका नेक्स्ट पोकेमोन आता है जो कि होता है उसका प्यारा से RK9 तुम देखना यहाँ से। एंड जिसको भाई साहब मैं एक हाइड्रो पम्प के साथ बीट देखो नहीं कर पाऊँगा, देखना उसका RK9 इतना पावरफुल है कि भाई तीन हाइड्रो पम्प लगे उसको बीट करने में मेरे को। बट बाई द वे कोई बात नहीं, दूसरे हाइड्रो पम्प कुछ इफेक्ट नहीं था एंड फाइनली देखना उसने मतलब पोकेमोन चेंज करवा दिया मेरे को, मतलब तीन हाइड्रो पम्प लगते मेरे को उसको बीट करने के लिए, बट उसके बाद मैं पिकाचू ने इसे ख़त्म कर दिया। एंड आफ्टर ऑल उसका बस दो पोकेमोन बाकी थे आई थिंक, तो उसका जो नेक्स्ट पोकेमोन था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई, मतलब उसका पोकेमोन था यार आज भी मतलब मैं बता नहीं सकता एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना बुरा लगता है इस मैच को इधर आ के सोचने में। और इसका पोकेमोन जो होता है मतलब हाँ स्नॉरलैक्स वो हर मेरे पोकेमोन को भाई बहुत गंदा पीटते थे, ब्लीजर मिस करवा जाता है मेरा एंड उसके बाद मेरे इस पोकेमोन को वापस से पीट देता है। एंड दो पोकेमोन ऐसे ही जा चुके थे, इसमें पिकाचू को भेजता हूँ लेकिन यहाँ पर भी लौंडा भाई एक शॉक तो खाता है बट उसके बाद पिकाचू को भी बीट कर देता है वन शॉट। एंड उसके बाद मैं अपने चार्जार्ड को भेजता हूँ, मैं सोचता हूँ ये लौंडा तो कुछ तो कर पाएगा कुछ तो करेगा ना ज़िंदगी में, तो भाई चार्जार्ड को भेजता हूँ बट यहाँ पर क्या था पोइजन हमने मारा एंड चार्जार्ड के साथ मैंने दिमाग यूज़ किया इसको हराने के लिए, तीन रुपये बच गया चार्जार्ड मेरे लक था। फिर मैंने क्या किया इसको हराने के लिए मैंने फ्लाई किया ताकि भाई टॉक्सिक का असर को दो बार हमें मिल सके। तो पहले मेरे को पॉइजन का एक बार उसको बाइट मिला एंड उसका चार्जर ने अटैक किया, फिर से भाई उसको पॉइजन लग गया ठीक है, फिर से मतलब पॉइजन का डैमेज पड़ा जिसके खाते उसका एचपी बहुत लो हो चुका था। एंड अब मैं म्यूटो से उसको इजीली बीट कर सकता हूँ।
एंड मीट किया। मुझे लगा था उसका नेक्स्ट पोकेमॉन होगा चारिज़ार्ड मेगा एक्स, बट यहाँ पर उसका पोकेमॉन निकला विनोसॉर्ड, जो कि भाई मीटो के आगे तो कुछ भी नहीं था मेगा विनोसॉर्ड। एक शॉट मारा लेकिन उसके बाद मेगा विनोसॉर्ड आई डोंट नो लीव सीट क्यों किया, एक चांस तो था इसको मुझे हराने का, बट उसने वो भी गवा दिया। बट उसके बाद मैंने उसको हरा दिया एंड फाइनली मेरे सारे गोल्स यहाँ से कम्प्लीट हो चुके थे एंड मुझे मिल चुका था बैटल मास्टर का टाइटल। एंड आफ्टर ऑल गाइस ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वैसे तुम लोग बोलोगे कि यार यहाँ पर तूने क्यों कैसे नहीं किया सारे पोकेमॉन को, तो भाई मैं तुम्हें बताना चाहूँगा पोकेमॉन लेट्स को पी कर चुके अंदर ईवी एंड ईवी सॉरी हाँ ईवी तो पोकेमॉन है बट या वर्ल्ड पिक्स नाइन टेल्स ये सारे पोकेमॉन्स नहीं एंड काफ़ी ज़्यादा पोकेमॉन्स हैं जो कि इस गेम के अंदर तुम्हें मिसिंग मिलेंगे, जैसे कि वेल्स प्रोट ये सारे पोकेमॉन जो है तुम्हें वाइल्ड में कैच करने को नहीं मिलेंगे इस गेम के अंदर। इसी खातिर मैं पूरा पोकेडेक्स तो कंप्लीट नहीं कर पाया गेम का, भाई मैंने बहुत सारे पोकेमॉन कैच किए लिटरली बहुत ज़्यादा पोकेमॉन कैच किए एंड इस गेम को कंप्लीट करने में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ी। तो तुम लोग मोस्ट ऑफ दी लाइक कर देना, अगर तुम ऐसी अमेजिंग सीरीज देखना चाहते हो तो भाई मेरे चैनल पर जाओ यार, भरे पड़े ऐसे अमेजिंग सीरीज ऐसे अमेजिंग वीडियोस जो जिस वीडियो के अंदर मैंने एक गेम को एक ही वीडियो के अंदर फिनिश किया, तो भरे पड़े भाई ऐसे वीडियोस, तुम जाओ देखो मजे करो एंजॉय करो। जैसे बाय द वे यहाँ पर मैं लास्ट अपने अपने शहर पे आता हूँ, मेरा पिकाचो फूल तुम्हें देता है एंड फिर अपना जर्नी तुम लोगों के साथ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बाय द वे अगर तुम सब्सक्राइब करते हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सो लेट्स बाय गाइस मीट यू अगेन एंड लाइक कर देना ऑल्सो।